राम राज्य साकार होठे, राम राज्य साकार होठे, राम राज्य साकार होठे, कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज्य साकार हो, कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज साकार होठे, राम राज साकार है ले ऐसा उजियारा, जगमानस में ज्ञान सूर्य का है ले ऐसा उजियारा, विकसित हो विश्वास सरों में श्रद्धा सुमनों की माला, दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए, राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे भाई चारा, गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाई चारा, नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा, उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए, राम राज साकार हो, राम राज साकार हो।
का पार विषमता की खाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की हृदय सिंधु उफ ना जाए राम राज साकार हो राम राज साकार हो चल उठे पुरवाई सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई चार पदार कोकिल कंठों से फूटे श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं राम राज साकार हो राम राज साकार हो कल सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो राम राज हो राम राज विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ओम
स्वतो दत्तासो अपरीता स उद्भिदः देवानो जथा सदा मिद्रिधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवाना गुरातिरभिनो निवर्ततां देवाना गुसख्यमुपसेदिमा वय देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भे खजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतघृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्तुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृथश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्चावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्जयत्राः। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। गंगा मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा की जय। परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। सबसे पहले तो आइए हम अपनी और आप सभी की ओर से मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परम श्रद्धे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्या कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भक्तजनों, भगवान शिव ने स्वयं कहा कि बिना मेरी प्रसन्नता के, बिना मेरी इच्छा के इस काशी में कोई कदम भी नहीं रख सकता। बिल्कुल सही बात। आज हम यहां इस काशी की पवित्र भूमि पर कदम रख पाए, आप सभी के बीच पहुंच पाए, तो इसमें हमारा स्वयं का प्रयास नहीं है। निसंदेह इसमें हमारे भगवान आशुतोष की ही प्रसन्नता है। ये उन्हीं की इच्छा है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस मोक्ष प्रदायिनी भूमि पर आनंद प्रदायिनी श्रीमद् भागवत की कथा को आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ है। भाइयों और बहनों, ये काशी की भूमि हम सब जानते हैं, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। युगों युगों से ये संतों महापुरुषों की जननी रही। बड़ी बड़ी सदगुरु सत्ताओं ने यहीं से, इसी भूमि से अध्यात्म के, वैराग्य के, ज्ञान के मोतियों को चुना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी, समस्त प्राणियों को एक सूत्र में बांधने की प्रेरणा उन्हें इसी भूमि से मिली। गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब जानते हैं, इसी गंगा किनारे बैठ तुलसी घाट घाट पर बैठकर उन्होंने रामचरितमानस जैसे दुर्लभ ग्रंथ की रचना कर दी। संत कबीर दास जी, संत रविदास जी, जैनियों के चार चार तीर्थंकर। भाइयों और बहनों, ये भूमि, इसी भूमि ने सदा सदा से भक्ति की अविरल धार बहाई है। काशी शिवमयी है, काशी ज्ञानमयी है, इसके पोर पोर में महादेव का दर्शन झलकता है। परंतु आप सोच रहे होंगे कि ऐसी शिवमयी, ऐसी ज्ञानमयी, वैराग्य से परिपूर्ण काशी में आखिर भक्ति रस से भरी श्री कृष्ण की गाथा क्यों, श्रीमद् भागवत का आयोजन क्यों? तो चलिए
आपको बताएं, इसके पीछे दो बहुत गूढ़ रहस्य हैं। पहला है भक्त की चतुराई। जानते हैं, भक्त बहुत चतुर होता है, सौदा एक करता है पर लाभ दो दो कमा जाता है। कैसे? देखिए, आप कभी अपनी आंखों को मूंद कर महादेव का ध्यान करने का प्रयास कीजिएगा, कैसी मूरत झलकेगी? बागंबर पहने, भस्म लपेटे, धीर गंभीर, ध्यान की गहराइयों में उतरे महादेव, ऐसी ही ना? परंतु आपने कभी सोचा कि हमारे धीर गंभीर ध्यानस्थ महादेव अपनी समाधि को तोड़ बड़ी ही सहजता, बड़ी ही सरलता से इस धरती पर कब कब चले आए, खिंचे चले आए, कब? देखिए, आप जानते हैं, जब श्री कृष्ण ने छोटा सा बाल रूप धरा इस धरती पर आए, तो हमारे महादेव वो आदि योगी स्वयं को रोक नहीं पाए, जोगी बन क्षण भर में नंद आंगन में उतर गए, समस्त गोकुल वासियों को अपने दर्शन से कृतार्थ कर दिया, लाभ पहुंचा दिया। जब नारायण ने मोहिनी रूप धरा तो प्रभु मोहित हो गए, उनके पीछे पीछे खिंचे चले गए, कितने ही भक्तों ने उनका दर्शन किया। श्री कृष्ण ने महारस की एक मीठी सी बंसी क्या छेड़ी, कैलाश वासी उद्वेलित हो गए, नहीं रुके, कैलाश को छोड़ा, अपनी समाधि को तोड़ा और स्वयं गोपी रूप में इस धरती पर प्रकट हुए, गोपियों के बीच उतर गए, आनंद तांडव किया और गोपीश्वर महादेव के रूप में सदा सदा के लिए इस धरा पर स्थापित हो गए। यानी बात बड़ी सरल है, बड़ी सहज। यदि हम अपने महादेव को समाधि से उठाना चाहते हैं, अपने बीच लाना चाहते हैं, उनका दर्शन पाना चाहते हैं, तो एक ही बहुत सरल सा मार्ग है और वह है श्री कृष्ण की महिमा का गान, श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान। इसीलिए यही कारण है भाइयों और बहनों, हम इस शिव की नगरी काशी में श्री कृष्ण की गाथा को लेकर आपके बीच आए हैं। एक नहीं बल्कि दोनों की कृपाओं का हम पात्र बन पाए, ऐसा अनमोल सौदा करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। ये सबसे पहला रीजन है, सबसे पहला लाभ। चलिए बढ़ते हैं दूसरे बात की ओर। उसके लिए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र की पंडरपुर की भूमि पर। कहते हैं पंडरपुर में एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, नाम था नर हरि सुनार। इतना बड़ा भक्त कि उसने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शिव का भक्त हूं, मैं विट्ठल का, मैं कृष्ण का मुख तक नहीं देखूंगा, मूरत तक नहीं देखूंगा। पर देखिए प्रभु की लीला क्या हुआ। उसी नगर में एक बहुत बड़ा विट्ठल भक्त साहूकार रहता था। एक दिन उसके मन में एक इच्छा उठी कि क्यों ना मैं अपने विट्ठल के लिए एक सुंदर सा सोने का कमरबंद बनवाऊं। पहुंच गया नरहरि सुनार के पास, बहुत विनय की, परंतु नरहरि ने तो एकदम से मना कर दिया, ना ना ना, मैं तुम्हारे विट्ठल के लिए कुछ नहीं बनाने वाला। साहूकार ने बहुत प्रार्थना की, बहुत हाथ पैर जोड़े, अनुनय विनय की, तो आखिरकार नरहरि मान गया, परंतु एक शर्त रख दी। देखो ठीक है, मैं तुम्हारे घर तुम्हारे विट्ठल की कमर बंद के लिए नाप लेने चलूंगा, परंतु अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर चलूंगा, तुम्हारे विट्ठल की मूरत दिखनी नहीं चाहिए मुझे। साहूकार मान गया। अगले ही दिन दोनों विट्ठल की मूरत के सामने खड़े हैं। अब देखिए प्रभु की लीला कैसी होती है, वो अपने भक्तों को कैसे और क्या क्या समझा देते हैं। जैसे ही नर हरि ने विट्ठल की मूरत को हाथ लगाया, ये क्या, विट्ठल की मूरत के सामने खड़ा है किंतु स्पंदन उसे अपने महादेव का महसूस हो रहा है। झट आंखों से पट्टी हटा दी तो देखा सामने विट्ठल खड़े मुस्कुरा रहे हैं। फिर से पट्टी बांध ली, ना ना ना, फिर छुआ, फिर वही आभास, फिर वही एहसास, फिर पट्टी हटाई, फिर बांध ली, फिर हटाई, फिर कितनी ही बार ये क्रम चलता चला गया। आखिरकार जब बहुत परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा, भीतर से अंतःकरण में महादेव का स्वर गूंजा, नरहरि क्या कर रहा है, समझता क्यों नहीं, हम दोनों अलग नहीं है, एक ही सत्ता है,
अपनी भीतर की आंखों को खोल कर देख, तुझे सब समझ आ जाएगा। नर हरि को समझने में देर नहीं लगी। आज तक जिस विट्ठल की मूरत ना देखने की कसम खाई थी, आज उसी के चरणों में दंडवत लेटा है। भाइयों और बहनों, यूं ही हमारे महादेव ने नहीं कह दिया था, ममेव हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय अहम्, कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण विराजते हैं और मैं श्री कृष्ण के हृदय में वास करता हूं। ऐसा एक अनूठा सा संबंध है। तत्व से भी देखें तो ये दोनों अलग सत्ताएं नहीं है, एक सत्ता है। एक अलग सा अनूठा संबंध, एक संगम है दोनों में। और इसीलिए भाइयों और बहनों, यही कारण है कि हम इस अनूठे से संगम की एक छोटी सी झलक इस कथा के माध्यम से आपके बीच लेकर आए हैं। आप स्वयं देखेंगे, ये पंडाल कभी तो श्री कृष्ण की लीलाओं के बीच हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठेगा, तो कभी वैरागी शिव की ये नगरी काशी श्री कृष्ण के महारस में आपको डूबती दिखेगी। कभी शिव का डमरू गूंजेगा, तो कभी भगवान की बंसी हम सभी के हृदयों को मोहित कर लेगी, चुरा कर ले जाएगी। इसीलिए भाइयों और बहनों, इस गाथा को बड़े ही ध्यान से सुने, यकीन मानिए यकीन, ये अनूठा संगम आगे आने वाले 7 दिन ये काशी इस अनूठे संगम की साक्षी बनने वाली है। ऐसे संगम की जिसे काशीवासी कभी भुला नहीं पाएंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। ये ऐसी विशिष्टता है इस कथा की, एक विशेषता है इस कथा की। और यही नहीं, ये कथा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से विशेष है, और वह है कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी। भक्तजनों, आपको बताएं, कथा व्यास जी कोई साधारण व्यास नहीं है। सबसे पहले तो ये परम पूजनीय परम श्रद्धे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या है, ब्रह्म ज्ञान से विभूषित है। उन्होंने अपने ही घट के भीतर ईश्वर का दर्शन किया है, प्रभु की समस्त लीलाओं को देखा है, घटते हुए स्वयं अनुभव किया है, और फिर उस अनुभव के बाद, उस अनुभूति के बाद ये आप सभी के बीच इस कथा को बांचने के लिए, बांटने के लिए पहुंची हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि वक्ता के सिर्फ विचार ही नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक अवस्था का प्रभाव भी श्रोता गणों पर बहुत अधिक पड़ता है। ऐसा प्रभाव जो हमें भक्ति के पथ पर, इस डगर पर आगे बढ़ा देता है, और सिर्फ बढ़ाता ही नहीं, हमें अंततः ईश्वर तक पहुंचा देता है, उससे मिलन करा देता है। इसलिए आइए ऐसी ही विशिष्ट कथा को, ऐसे विशेष संगम को शुरू करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। आइए ऐसी विशिष्ट कथा का हम शुभारंभ करते हैं, और उसके लिए हम आग्रह करेंगे मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परम श्रद्धे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से, कि वे आज के कथा का शुभारंभ करें। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ऐसे बात नहीं, दोनों हाथों को ऊपर करिए, दोनों हाथ उठाकर, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आइए कथा श्रवण करें। Shiva.
बोलिए भगवान आशुतोष की, बाबा विश्वनाथ की। देखिए हमने तो यह सुना है, बड़े से बड़ा संकट भी टर जाता अगर साथ हो शंकर प्यारा, हर विपदा पर भारी पड़ता मेरे महादेव का जयकारा। अगर हर विपदा से मुक्ति पानी है, हर कष्ट हर संकट से उबरना है, तो एक ही उपाय है, और वो क्या उपाय है? महादेव के नाम का जय घोष। आओ बुलंद स्वर में प्रभु का जय जयकार करते हैं, बोलिए हर हर महादेव। 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 बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे। 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 आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, काशी की इस पावन धरा पर बैठने का सौभाग्य आज हमें मिला है। काशी निवासियों से काशी के बाबा विश्वनाथ की चर्चा करने का अवसर मिला है। इस दिव्य प्रांगण में, इस दिव्य भूमि पर भगवान श्री कृष्ण की कथा को बांचने का सुअवसर मिला है। भगवान शिव की नगरी मोक्षपुरी, मुक्ति धाम, दीपों का शहर, मंदिरों का शहर, न जाने कितने विशेषण इस धरा को प्राप्त हुए हैं। कहते हैं कि इस धरा पर बाबा की दया होती है, बाबा विश्वनाथ जिसे बुलाते हैं वो ही इस धरा पर पहुंच पाता है। सौभाग्य है हमारा कि हमें इस धरा पर आने का अवसर मिला। बाबा के जितनी भी संतानें हैं, काशी में निवास करने वाले जो निवासी हैं, उनसे भगवान शिव की चर्चा करने का सुअवसर मिला। सौभाग्य है। भगवान शिव कौन है? शिव तत्व गूढ़ तत्व है। जरा ध्यान से देखिए हमारे भोलेनाथ के श्रृंगार को, जहां सभी देवताओं का जो वस्त्र है, जो श्रृंगार है, वो कैसा होता है? रत्नों से जड़ित होता है, स्वर्णिम होता है। वहीं हमारे भोलेनाथ का श्रृंगार देखिए, अंग विभूत चंद्र माथे पर जटा बहे गंगा की धार, पहन गले में सर्पों की माला, प्रभु तुम कियो गजब श्रृंगार। अद्भुत, तन पर भस्म रमाई हुई है, गले में सर्पों की माला सजाई है, रुंड मुंड की माला पहनी हुई है, व्याघ्र का चर्म लपेटा हुआ है, ऐसा है हमारे प्रभु का गजब श्रृंगार। प्रभु का ये श्रृंगार अपने आप में रहस्यात्मक है। प्रभु के इस श्रृंगार के पीछे एक रहस्य छिपा है जिसे हमें खोज निकालना है। क्यों हमारे भोलेनाथ ने विचित्र सा श्रृंगार किया? क्यों उन्होंने तन पर भस्म का लेप किया? ये मानव जाति को संदेश दे रहा है। लेकिन क्या भोलेनाथ की लीलाओं को, उनके श्रृंगार के रहस्य को अपनी बुद्धि से समझ जाओगे? नहीं, तुम्हारी लीला प्रभु तुम ही जानो और न जाने कोई। हे भोलेनाथ, आपकी महिमा को केवल आप ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते प्रभु। पर हाँ, हमारी यह अभिलाषा है कि हम आपके रहस्य को जानें, हम शिव तत्व को जानें और शवत्व से शिवत्व की यात्रा पूर्ण करें। ये हमारी अभिलाषा है, ये हमारी इच्छा है। और इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कहते हैं कि स्वयं प्रभु बारंबार साकार रूप धारण करते हैं और इस धरा पर अवतार लेते हैं। विद्वान मैक्स मूलर ने स्पष्ट शब्दों में ये उक्ति कही कि अगर कोई भगवान है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, तो यह उस न्यायकारी सत्ता का अन्यायपूर्ण पक्ष होगा
अगर वहां अपनी करोड़ों संतानों को अपने दिव्य तत्व से, अपने दिव्य ज्ञान से महरूम रख देगा। ग्रंथों के तुलनात्मक अध्ययन से ये बात सिद्ध हो गई है कि वह भगवान स्वयं साकार रूप धारण करता है और आके अपने रहस्य को उजागर करता है। यही सत्य है सजनों, बारंबार भगवान इस धरा पर साकार होते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं और उनके साकार रूप को गुरु नाम से अभिवंदित किया जाता है। पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ग्रंथों में छिपे हुए सार को हम ग्रहण कर पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, मनन चिंतन करते हैं। हमारी पूजा पद्धति के पीछे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा है उसे हम ग्रहण कर पाते हैं और धीरे धीरे यात्रा करते हुए हम अपने घट के भीतर उतरते हैं और प्रभु का साक्षात्कार कर लेते हैं। ये सब संभव हो पाता है पूर्ण सद्गुरु के कृपा हस्त के द्वारा। ये हमारा सौभाग्य है कि आज दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की अनुकंपा से, उनकी कृपा से हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। जिस प्रकार हमने उनकी कृपा से इन गूढ़ शब्दों के अर्थ को जाना है, आज आप उनकी कृपा से इसे जान पाएंगे। आइए विलंब ना करते हुए हम इस कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा का जो नाम है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। यहां 7 दिवस तक भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से, भक्तों की प्रार्थनाओं से, उनके जीवन चरित्र से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम श्रवण करेंगे। इस कथा के जो श्रोता हैं वो हैं परीक्षित और इस कथा के जो वक्ता हैं वो हैं सुखदेव जी महाराज। जो इस कथा के रचयिता बने वो हैं भगवान वेदव्यास जी। सरस्वती नदी के तीरे बैठे हैं, मन अशांत है, व्याकुल है, सोच में डूबे हैं कि मैंने वेदों का पृथक्करण किया, महाभारत ग्रंथ की रचना कर डाली, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कोई कार्य शेष है। वह कौन सा कार्य है जो अभी करना बाकी है? उसी क्षण वहां आगमन होता है देवर्षि नारद का। जो ही व्यास जी को इस प्रकार आकुल और व्याकुल देखा, उनके कदम तीव्र गति से व्यास जी के पास पहुंच गए। नारायण नारायण, हे व्यास जी, आप इतने शोकाकुल क्यों जान पड़ते हैं? जैसे ही व्यास जी ने सुना, पलकें उठाकर जब सामने देवर्षि नारद को देखा तो अपनी सारी चिंता को उनके चरणों में उड़ेल दिया। देखिए ना देवर्षि, मैंने अपने हाथों से कितने ग्रंथों की रचना कर डाली, धर्म मोक्ष के बारे में कितने शब्द उड़ेल दिए, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है, क्यों? देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, जो धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का जो आधार है, उन बांके बिहारी की कथा को आपने अभी तक नहीं लिखा है, इसलिए हम आपसे कहते हैं आप भगवान श्री कृष्ण की महिमा से, उनके प्रेम से सराबोर ग्रंथ की रचना कीजिए, आपका जो मन शुद्ध हो रखा है ये शांत हो जाएगा। और इस प्रकार नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद वहां से प्रस्थान कर गए। वेदव्यास जी ने अपने नेत्रों को मूंद लिया, अंतर्घट में उतर गए, भगवान श्री कृष्ण की अनुपम लीलाओं का दर्शन किया और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। 18,000 श्लोकों में उसे बांध दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमहंस हैं। व्यास जी ने जब इस कथा को रचा, अब उनके मन में एक और सोच है, इस कथा का प्रचार कौन करेगा? इस कथा के प्रचार के लिए कोई परमहंस ही होना चाहिए। यहां उनके यहां एक संतान ने जन्म लिया, लेकिन वो पैदा होते ही गृह का त्याग कर वनों की ओर तपस्या के लिए निकल गए। उनका नाम था सुखदेव। व्यास जी के मन में ये निश्चित है कि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार, इस भागवत कथा का वाचन अगर कोई कर सकता है तो वो केवल सुखदेव कर सकता है।
लेकिन उसे वहां से वापस कैसे लाया जाए, एक युक्ति निकाली। व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ वन में जाओ, सुखदेव जहां बैठकर तपस्या कर रहा है वहां जाकर तुम कृष्ण के नाम की महिमा गाओ, भागवत के श्लोकों का उच्चारण करो, देखना उसका चित्त आकर्षित अवश्य होगा। जो ही शिष्यों ने सुना, हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव लेकिन वन में तो हिंसक जानवर होंगे। व्यास जी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम वहां पर भी भागवत के श्लोकों का उच्चारण करना और तुम निर्भीक हो जाओगे, तुम निडर होकर आगे बढ़ पाओगे। गुरु की आज्ञा मिली, शिष्य चल दिए। जाकर देखा वन में सुखदेव जी आंखों को मूंदे ध्यान में लीन है, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। वहीं पर व्यास जी के शिष्य खड़े हो गए, लकड़ियां बटोर रहे हैं और साथ ही साथ भागवत के श्लोक का उच्चारण करने लगे, कृष्ण की महिमा को बांचने लगे। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव जी, जिनके कान भगवान कृष्ण की महिमा सुन रहे हैं, इन श्लोकों का उच्चारण सुन रहे हैं, तत्क्षण उनके भीतर भगवान की अद्भुत छवि प्रकट हो गई और जब उस छवि का दर्शन कर रहे हैं तो मंत्र मुग्ध हो गए। लेकिन तभी जिस श्लोक का उच्चारण बाहर हो रहा था वह शांत हो गया। उन्होंने शीघ्र अति शीघ्र अपने नेत्र खोले और बाहर कुछ ऐसे बालकों को देखा जिन्हें देखकर जान पड़ता था कि ये गुरुकुल से आए हैं। उनसे कहा, और सुनाइए और सुनाइए, आप शांत क्यों हो गए। उन्होंने कहा, अगर और सुनना है तो आपको वेद व्यास जी के पास जाना होगा, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है जिसमें ऐसे अनेकों श्लोक लिखे हैं। जो वैराग्य के मार्ग पर चले थे उनके भीतर परमात्मा का राग जाग गया और सुखदेव जी बिना विलंब के पहुंच गए अपने पिता श्री के पास। जाकर उनसे श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना और तदोपरांत उन्होंने इस भागवत महापुराण की चर्चा राजा परीक्षित से की। हम ये कह सकते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण ही था जिसने सुखदेव जी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, या यह कहें श्रीमद् भागवत महापुराण के ये शब्द थे जिनके भीतर ऐसा आकर्षण था जिस आकर्षण ने सुखदेव जी को अपनी ओर खींच लिया। जी हां सज्जनों, ये शब्दों का प्रभाव भी है, ये शब्दों की शक्ति भी है। अगर आप गूगल पर सर्च करें और आप ये जानना चाहें कि शब्दों का कैसा प्रभाव पड़ता है, शब्दों के प्रभाव के कारण कैसा परिवर्तन समाज में नजर आता है, तो ऐसे आपको असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा, दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये शब्द ही तो थे, लेकिन इन शब्दों ने देशवासियों के भीतर देशभक्ति को जागृत कर दिया। अपने देश के लिए जीने और मरने के लिए तत्पर हो गए, सज्ज हो गए देशवासी। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए, पांच शब्दों से जिनसे उन्होंने आरंभ किया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, पांच शब्द थे, लेकिन इसने एक अमिट घटना को जन्म दे दिया। महात्मा बुद्ध जिन्होंने अंगुली माल से शब्द ही तो कहे थे कि मैं तो कब से ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा, इन शब्दों ने अंगुली माल जैसे हिंसक को सोचने के लिए विवश कर दिया और उसका जीवन बदल गया, वो बौद्ध भिक्षुक बन गया, अहिंसक बन गया।
सज्जनों, ये शब्दों का प्रभाव ही तो है। जरा गूगल पर जाकर आप ये शब्द टाइप कीजिएगा, डू अ बैरल रोल। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो 360 डिग्री पर घूम जाएगी। शब्दों का प्रभाव भी हमारे जीवन को घुमा सकता है, उसमें इतना बल होता है। अगर शब्द सकारात्मक है तो हमारे मन को उत्साह से भर देंगे, लेकिन अगर शब्द नकारात्मक है तो हमें हताशा और निराशा से घेर लेंगे। बहुत वर्षों पहले की बात है, एक यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों का, कुछ छात्रों का एक ग्रुप था और उन्होंने अपने ग्रुप को नाम दिया था स्ट्रैंगलर्स। ये सब लिटरेचर के स्टूडेंट थे और इनकी लेखनी में बहुत शक्ति थी। ये अपनी लेखनी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा सृजनात्मक कार्य कर सकते थे, लेकिन जानते हैं इनका व्यवहार कैसा था? ये जब भी मिलकर एक दूसरे के साथ बैठते, चर्चा करते, एक दूसरे की रचना को सुनते तो हमेशा एक दूसरे की निंदा करते, कटु शब्द कहते, भर्त्सना करते, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते, उसकी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर उसकी रचना को एकदम गलत सिद्ध कर देते। वहीं दूसरी ओर इसी यूनिवर्सिटी में छात्राओं का भी एक ग्रुप था और उन्होंने अपने ग्रुप को नाम दिया रैंगलर्स। ये ग्रुप क्या करता था, जब भी पास में बैठते, चर्चा करते, रचनाएं सुनते तो एक दूसरे की कमियों को नोट करते, सकारात्मक ढंग से, सुंदर शब्दों में, बड़े ही सहज वाणी में वो एक दूसरे की कमियों को इंगित करते और उसमें सुधार लाने की बात भी करते। धीरे धीरे एक दूसरे की कमियों को बताते हुए उन्होंने ऐसी उन्नति की जिसका परिणाम भविष्य में देखने को मिला। 20 सालों के बाद इसी यूनिवर्सिटी के एक बच्चे ने, एक बालक ने एक शोध किया इन सब बच्चों पर, और जब शोध किया गया तो क्या रिजल्ट सामने आया जानते हैं? जो स्ट्रैंगलर्स थे, मेधावी थे, ज्ञान संपन्न थे, बुद्धि के स्वामी थे, लेकिन अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाए क्योंकि सदैव गलत शब्दों का उपयोग किया, नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया, और उस नेगेटिविटी ने, उस नकारात्मक शब्दों ने उनकी कला का मानो गला ही घोंट दिया। लेकिन जो रैंगलर्स थे वो फेमस राइटर्स बन गए, उनकी जो प्रतिभाएं थी वो और भी विकसित हो गई। ये है सज्जनों शब्दों का प्रभाव, किस प्रकार शब्द हमारे जीवन को बदलने का दम रखते हैं। इस बात को अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। वे कहते हैं कि जब भी हम कोई शब्द सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है। हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भाग सक्रिय होते हैं और उस समय वहां पर हार्मोन्स का स्राव होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं, अगर हम नकारात्मक शब्द सुनते हैं तो ये शब्द हमारे भीतर हताशा, निराशा, अवसाद, डिप्रेशन को जन्म देते हैं, और वहीं जब हम पॉजिटिव शब्दों को सुनते हैं तो हमारे भीतर ऐसे हार्मोन्स का स्राव होता है जो हमारे भीतर उत्साह को पैदा करता है, सोचने विचारने की शक्ति को पैदा करता है, हमारे भीतर एक नई उमंग को जन्म देता है, हमें कुछ कार्य करने की क्षमता हमारे भीतर पैदा कर देता है। हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अगर समाज को सकारात्मक शब्द दिए जाएं तो इस समाज को सकारात्मक बनाया जा सकता है। सज्जनों, जरा एक बार अपने इस समाज की ओर दृष्टि घुमाकर तो देखिए, समाज की स्थिति दयनीय व शोचनीय है। टीवी खोलिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, हर जगह आपको दुर्घटनाएं दिखाई देंगी, पापाचार, अत्याचार, आतंकवाद सब चरम सीमा पर है। क्या बताइए, इस समाज को पॉजिटिविटी नहीं चाहिए? क्या इस समाज को सकारात्मकता नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो इसे सकारात्मक शब्द भी देने होंगे, तभी उनके प्रभाव से इस समाज में सकारात्मक किरणें फैल सकेंगी। और सोचिए, ये जो ग्रंथ है, ये जो पावन पुनीत कथाएं हैं,
ये तो भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत हैं। भगवान जो स्वयं सकारात्मकता का स्रोत है, जो आनंद का स्रोत है, जो सुख का स्रोत है, सोचिए अगर हम उनकी महिमा को बांचें, हम उनकी महिमा को सुने, तो क्या वह मानव के मन पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगे? अवश्य डालेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की घटना बताती हूँ। एक दिन जब वे विदेश की भूमि पर श्री राम की कथा को बांच रहे थे, एक सज्जन अपने स्थान से उठे और विवेकानंद जी को बीच में ही टोकते हुए कहा, महोदय, आप जो इस राम कथा का वाचन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे समाज को कोई प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मुझे लगता है आपको अपनी इस कथा को यही विराम दे देना चाहिए। जाइए कोई काम धंधा कीजिए, ताकि उसके द्वारा आप समाज को कोई ठोस लाभ पहुंचा सकें। विवेकानंद जी ने सुना, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपनी कथा को अविराम कहते रहे। सज्जन इस उम्मीद में खड़े रहे कि अभी उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें मिलेगा। कुछ क्षण बीते, स्वामी विवेकानंद जी ने उन सज्जन की ओर देखा और कटु और कठोर शब्द उनसे कहने आरंभ कर दिए। यह सुनना था कि वह सज्जन क्रोध से भर गए और विवेकानंद जी की ओर देखते हुए कहते हैं, बस कीजिए, शांत हो जाइए, मैं आपके इन वचनों को सुन नहीं सकता। विवेकानंद जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, मैंने तो आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि नहीं पहुंचाई, फिर आपके भीतर इस क्रोध ने जन्म कैसे लिया? उन सज्जन ने कहा, आपने इतने कटु शब्द कहे मुझसे, क्रोध में आना तो स्वाभाविक है मेरा। विवेकानंद जी ने कहा, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने कहा श्री राम की कथा को बांचने का समाज को लाभ क्या मिलेगा? देखिए, मेरे कटु शब्दों ने आपके भीतर क्रोध को जन्म दे दिया, यानी शब्दों का प्रभाव होता है। जब श्री राम की कथा को बांचा जाएगा, आदर्श से भरे शब्दों को समाज के समक्ष रखा जाएगा, तब क्या मानव के भीतर जो शुभ विचार हैं, क्या वो जागृत नहीं होंगे? क्या आत्मचिंतन करते हुए मानव अपने आत्मिक विकास की ओर अग्रसर नहीं होगा? क्या ये श्री राम कथा इस मानव पर, इस समाज पर सद प्रभाव नहीं डालेगी? अवश्य डालेगी। यही हम आज आपसे भी कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है ये ग्रंथ, सकारात्मकता का पुंज है ये ग्रंथ, आनंद की अविरल धारा बहती है इस ग्रंथ में, तो क्या ये हमारे अशांत मन को शांत नहीं करेगा? अवश्य करेगा। इसके शब्दों में ऐसा बल है, इसके शब्दों में ऐसी शक्ति है कि आपका चित्त कृष्ण की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसी कथा है, जिस कथा को सुनकर, जिन शब्दों को सुनकर परीक्षित का व्याकुल मन शांत हो गया। श्राप मिला है श्रृंगी ऋषि से, 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। व्याकुल है, अशांत है, उस समय सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठकर इस कथा को सुनता है। इन शब्दों को सुना उसने, मन शांत हो गया, हर जिज्ञासा, हर प्रश्न विराम को पा गया, जीवन संशयों से मुक्त हो गया और अपने जीवन का लक्ष्य परीक्षित को नजर आने लगा। ऐसा है ये श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ, ऐसी अनुपम गाथा है। आओ, इस अनुपम गाथा की जो महिमा है, उसे हम एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। हेलो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सनातन संस्कृति की एक पुरातन परंपरा है दीप प्रज्वलन की। हमारे मध्य में कुछ अति विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि दीप प्रज्वलन के लिए जैसे जैसे नाम हम आपके लेते हैं, आप आगे आए और तत्पश्चात हम आगे की कथा प्रसंग को श्रवण करेंगे। हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि, पूर्व कुलपति साहू जी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय व अध्यक्ष ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, आपका अभिनंदन है। कृपया आप मंच के निकट आएं।
आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर ए के कौशिक, चेयरमैन है पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी से, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। माननीय श्रीमान आनंद जी, प्रांतीय मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद से, स्वागत है आपका, कृपया मंच के निकट आएं। श्रीमान संजय झुंझुनवाला जी, वाराणसी से प्रसिद्ध समाज सेवी हैं एवं व्यापारी हैं, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। माननीय कन्हैया सिंह जी, महानगर अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद से, अभिनंदन है आपका, कृपया मंच के निकट आएं। डॉक्टर माधवी तिवारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं धर्म संस्कृति संगम, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। अंजू कनोडिया जी, जो कि पूना से आए हैं, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं आप। दीपक बजाज जी, चेयरमैन जय पारिया विद्यालय एवं प्रसिद्ध व्यापारी हैं, अभिनंदन, कृपया मंच के निकट आएं। श्रीमान विंध्यावासिनी पांडे जी, एडवाइजरी मेंबर काउंसिल मेडिकेयर लिमिटेड, अभिनंदन है आपका, कृपया मंच के निकट आएं। श्रीमान सचिन मिश्रा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर है सीपीसी पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। श्रीमान कौशल शर्मा जी, श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति से, अभिनंदन है, मंच के निकट आएं। प्रिया मिश्रा जी, डायरेक्टर है माइंड एंड सोल, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। अतुल शर्मा जी, संकटा मंदिर से, अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्रीमान अरविंद भालोटिया जी एवं श्रीमती अनीता भालोटिया जी, कृपया मंच के निकट आएं। श्रीमान गुंजन अग्रवाल जी और श्रीमती नम्रता अग्रवाल जी, कृपया मंच के निकट आएं। और श्रीमान छोटे लाल चौधरी जी और उनकी धर्मपत्नी माधुरी चौधरी जी, कृपया मंच के निकट आएं। आप सभी से आग्रह कि आप दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों और आदरणीय कथा व्यास जी से मंच पर आसीन सभी संत समाज से आग्रह है कि वो आगे की कथा प्रसंग को हमारे मध्य में रखें। वैद्यनाथ भालोटिया जी और संतोष अग्रवाल जी, आपसे भी आग्रह कि कृपया मंच के निकट आएं। धन्यवाद।
भागवत महापुराण यह पावन पुनीत ग्रंथ आज हमारे लिए प्रभु की अनेकानेक लीलाओं को अपने भीतर समेट कर लाया है। यदि आप हमसे पूछें कि इस ग्रंथ की तुलना आप किससे करना चाहेंगे तो हम इस ग्रंथ की तुलना एक प्रज्वलित दीपक से करना चाहेंगे। अंधकारमय कक्ष हो और आप उसमें दीपक की लौ को प्रज्वलित कर दें तो कुछ ही क्षणों में उस कक्ष का अंधकार लुप्त हो जाता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण एक प्रज्वलित दीपक है। मानव के जीवन में इसके प्रज्वलित होते ही, इसके पदार्पण से ही उसका जो अज्ञानता का अंधकार है वो दूर हो जाता है। हम सदैव कहते हैं ये मंच कोई साधारण मंच नहीं है। हमें लगता है स्वयं बांके बिहारी यहाँ उपस्थित हैं और ये दोनों उनकी बुझाएं हैं जिसे फैलाकर वो अपने संतानों का आलिंगन करने के लिए तत्पर हो उठे हैं। वो उन्हें बुलाने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें हमारे प्रभु से मिलवाने आई है। इस ग्रंथ के भीतर जो सार निहित हैं
आओ उन सार को समझते चलें, भीतर मंथन चिंतन करते हुए आओ कृष्ण को अपने जीवन में बसाने का मार्ग ढूंढ लें। सूत जी महाराज अपने आसन पर आरूढ़ हैं। नैमिष्यारण्य क्षेत्र का जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, वो बहुत ही पुण्यमय वातावरण बन चुका है, आनंद देने वाला वातावरण है। वहीं पर शौनक आदि ऋषि भी उपस्थित हैं। सूत जी के समक्ष जाकर अनुनय विनय किया, हे सूत जी, कथा सारंग मम कर्ण रसायनम। आज से पूर्व हमने बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज ऐसी कथा सुनाइए जो सभी कथाओं का सार तत्व हो, जिसे सुनकर हमारा जो प्रभु के चरणों में प्रेम है वो और भी प्रगाढ़ हो जाए, हमारी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो जाए। हमें ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों की जब यह भावना को सुना तो उनके समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कह सुनाया। समय समय पर शौनक आदि ऋषि अपने मन के प्रश्नों को सूत जी महाराज के चरणों में रखते रहे और नित्य वे सूत जी महाराज से एक नई कथा को सुनते रहे। एक दिवस उन्होंने प्रार्थना की। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमें यह बताइए कि जिस समय पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, उन्होंने मथुरा में अनिरुद्ध नंदन वज्रनाभ का अभिषेक किया और उन्होंने इंद्रप्रस्थ में राजा परीक्षित को राज गद्दी सौंप दी, उसके बाद उनका जीवन किस प्रकार चला, हमें वह कथा सुनाइए। सूत जी महाराज ने सुना, कहने लगे, ध्यान से सुनो। वज्रनाभ मथुरा में रहता था और राजा परीक्षित, जो संपूर्ण धरा के एकाधिपति बन चुके थे, धर्म से संयुक्त होकर राज्य का संचालन कर रहे थे। एक दिन उनके मन में आया, क्यों ना मैं जाकर वज्रनाभ से मिलकर आऊं, उसका कुशल समाचार लेकर आऊं। बस मन में इसी सोच को लेकर वे मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। वज्रनाभ को ये ज्ञात हुआ कि सम्राट परीक्षित पधार रहे हैं, शीघ्र ही अपने नगर से बाहर आकर उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया और उन्हें शीघ्र अति शीघ्र अपने राजभवन में लेकर आया, जहां भगवान श्री कृष्ण की कितनी ही रानियां भी उपस्थित थी। परीक्षित सभी से मिले, उन सभी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सभी बैठकर चर्चा करने लगे। समय बीतता गया, फिर अकेले में जाकर परीक्षित वज्रनाभ से मिलकर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हे वज्रनाभ, तुम्हारे परिवार के मुझ पर बहुत से उपकार हैं, मैं चाहकर भी इन उपकारों से कभी उरण नहीं हो सकता। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही मुझे जन्म मिला है, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की अग्नि से मैं माँ के गर्भ में ही खत्म हो गया था। ये तो कृपा है प्रभु की, ये तो कृपा है द्वारिकाधीश की, भगवान कृष्ण की, कि उन्होंने मृतक बालक को जीवित कर दिया और मुझे जीवन दान दिया, मैं कभी उनके उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। हे वज्रनाभ, यदि जीवन में कोई समस्या हो, कोई चिंता हो तो मुझे अवश्य कहना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। वज्रनाभ ने सुना, कहने लगे, हे परीक्षित, यूं तो मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, मेरे पास राज्य है, लेकिन मेरी सोच का, मेरी चिंता का एक कारण अवश्य है, मेरे राज्य में प्रजा ही नहीं है। यदि प्रजा ही ना हो तो राजा सुखी कैसे हो सकता है। वज्रनाभ की इस चिंता को दूर करने के लिए शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया। परीक्षित ने वज्रनाभ की चिंता को शांडिल्य ऋषि के समक्ष प्रकट कर दिया। शांडिल्य ऋषि, जो नंद आदि गोप कुमारों के गुरु थे, आज उन्होंने जब वज्रनाभ की इस चिंता को सुना तो उन्होंने कहा, जानते हो, जिस मथुरा में तुम रहते हो, इस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं की, लेकिन फिर एक दिन जब ये मथुरा जर्जर अवस्था को प्राप्त हुई, अपने मथुरा वासियों को भगवान श्री कृष्ण द्वारिका ले गए और वे सभी द्वारिका वासी बन गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अब भी नहीं चल रही।
चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो गोकुल हो, और चाहे वो मथुरा हो, और चाहे वो द्वारिका हो, भले ही हमारे प्रभु स्वधाम गमन कर चुके हैं, उन्होंने सुभू मंडल से अपनी लीला को समेट लिया है, लेकिन आज भी वो इस धरा धाम पर निवास करते हैं, आज भी वो कण कण में लीला कर रहे हैं। वज्रनाभ ने सुना, परीक्षित ने सुना, हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, लेकिन हम उन लीलाओं को देख नहीं पाते, हम कैसे अपने प्रभु का दर्शन करें? उस समय शांडिल्य ऋषि कहते हैं, वज्रनाभ तुम्हें कार्य करना होगा, भगवान कृष्ण ने जहां जहां भी लीला की है तुम्हें उन स्थानों को ढूंढ निकालना है और वहां पर प्रभु के श्री विग्रह की स्थापना करनी है और उसका नामकरण करना है। जब तुम बाहरी रूप से उन मंदिरों का निर्माण कर दोगे, उन लीला स्थलियों का निर्माण कर दोगे, तदोपरांत तुम्हारी भेंट होगी उद्धव जी से और वो तुम्हें प्रभु की वास्तविक लीला से भी जोड़ देंगे, तुम्हारे भीतर कृष्ण का साक्षात्कार करवा देंगे। शांडिल्य ऋषि ने आज्ञा दी, वज्रनाभ ने शांडिल्य ऋषि की कृपा से और राजा परीक्षित के संग मिलकर भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की थी, जितने भी स्थान थे उन सब स्थानों को ढूंढ निकाला और वहां वहां प्रभु के श्री विग्रहों की स्थापना कर दी, उनका नामकरण कर दिया गया और आज वो प्रसिद्ध मंदिर के रूप में हमारे समक्ष हैं। उन मंदिरों में हम जाते हैं, प्रभु के उन दिव्य विग्रहों को देखते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है। ये कार्य किया वज्रनाभ ने शांडिल्य ऋषि की आज्ञा से। अगर हम बात करें बाबा विश्वनाथ की, तो कहते हैं पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने हमारे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है, आप सब जानते हैं। अहिल्याबाई होलकर बाल्यकाल से ही भगवान शिव की उपासिका थी, भगवान शिव की पूजा करती थी, नन्हे से शिवलिंग को हाथ में लेकर घूमती रहती, अगर बातें भी करनी होती तो अपने शिव से करती, अगर कोई शिकायत भी लगानी होती तो अपने शिव को ही शिकायत सुना देती। करते करते जीवन ऐसा आगे बढ़ा कि महारानी बन गई और कहते हैं लोक कथाओं में प्रसिद्ध है कि एक दिवस दिव्य स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। जो ही भगवान शिव का दर्शन किया, अहिल्याबाई होलकर के मन में इस भाव ने जन्म लिया कि मैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी और उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाऊंगी। अहिल्याबाई होलकर ने भगवान शिव की प्रेरणा से, उनकी शक्ति से, उनके बल से, उनके सामर्थ्य से प्रभु के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आज जिस मंदिर में हम जाते हैं और जाकर दर्शन करते हैं, भारत की ये विशेषता है। भारत का अर्थ होता है भा प्लस रथ, प्रकाश में रथ, जिसका कण कण प्रकाश से युक्त है वो है भारत भूमि। जहां चप्पे चप्पे पर आपको मंदिर नजर आएंगे, मंदिर में प्रभु की मूर्त नजर आएगी, जहां अनेकानेक दिव्य तीर्थ स्थलियां नजर आएंगी, ऐसी है हमारी भारत भूमि। और काशी के बारे में तो क्या कहें, इसके बारे में तो कहा जाता है यहां जितने कंकड़ उतने शंकर। ऐसी है हमारी काशी, ऐसे हैं हमारे बाबा विश्वनाथ जो इस काशी में विराजते हैं। सज्जनों, मंदिर में जाने के पीछे मुख्यतः दो कारण माने जाते हैं। पहला, हमारी पुरातन संस्कृति है और हमारे संस्कार हैं। दादा दादी के मुख से सुना है, कथा कहानियों में सुना है कि मंदिर में भगवान बसते हैं। दुख आते हैं तो हम भगवान को सुनाने चले जाते हैं और खुशियां आती हैं तो वो भी प्रभु से बांटने चले जाते हैं, क्योंकि वही तो हमारा सब कुछ है। मंदिर में जाने का दूसरा कारण क्या है? कुछ लोग मंदिर को, तीर्थ स्थलियों को पर्यटक स्थल के रूप में देखते हैं। जीवन की भागम भाग से जब मन अशांत हो जाता है, शांति चाहिए होती है, तब वो मंदिर के प्रांगण में आते हैं, पावन भूमि की ओर अग्रसर होते हैं। क्यों?
ताकि उनका मन शांत हो जाए, उन्हें पॉजिटिविटी मिले, उनका मन जो व्याकुल है वो कुछ क्षणों के लिए विराम की ओर चला जाए। इस बात को मानते हैं ना कि हर धरा की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, मानते हो? यहां तक कि हर मनुष्य की भी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। आपने सुना होगा, कभी कभी आप कहते भी होंगे, मैं फलानी जगह गया था, वहां इतना दम घुटा कि मैं 2 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाया, वहां से लौट आया। क्यों? क्योंकि वहां की वाइब्रेशन नेगेटिव थी। लेकिन हम जब काशी आते हैं तो यहाँ की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है कि यहाँ आने के बाद वापस जाने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव है। मार्कंडेय पुराण में एक बड़ी सुंदर घटना आती है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वनों से गुजर रहे हैं। अचानक लक्ष्मण जी के मन में एक कुविचार आया कि माता के कई ने वरदान तो राम के लिए मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, तो मैं राम के साथ क्या कर रहा हूं? सोचिए, लक्ष्मण जी के मन में ऐसे कुभाव ने जन्म ले लिया, पर मुख से कुछ कहा नहीं, चलते चले गए। उसी क्षण भगवान श्री राम तो अंतर्यामी है, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण थोड़ी सी सुबन की मिट्टी को हाथ में ले लो। लक्ष्मण जी ने मिट्टी को ले ली और चलने लगे। जैसे जैसे मिट्टी संग जा रही है, लक्ष्मण का जो कुभाव है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। थोड़ी देर में श्री राम ने कहा, मिट्टी को फेंक दो। मिट्टी को फेंक दिया गया और जो वन का वो जो क्षेत्र था उससे कहीं दूर आ गए। लक्ष्मण जी के अंदर जो कुभाव जन्म लिया था अब वो दूर हो गया। बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे मन में ऐसी निकृष्ट सोच ने जन्म कैसे लिया। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा, कहने लगे, लक्ष्मण चिंतित हो, व्याकुल हो कि तुम्हारे मन में कुभाव ने जन्म कैसे लिया? लक्ष्मण ने हां में सिर हिलाया, जी प्रभु, मैं विचलित हूं। भगवान श्री राम कहते हैं, ये उस क्षेत्र का प्रभाव था, ये उस मिट्टी के कुसंस्कारों का प्रभाव था जिसने तुम्हारे मन को मलिन कर दिया। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं समझा नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं, इस धरा पर इस क्षेत्र में सुंद और उपसुंद नामक 2 दैत्य रहते थे। ब्रह्मा जी की तपस्या की, प्रसन्न कर लिया और वरदान में जानते हो क्या मांगा? कि हमें मृत्यु केवल एक दूसरे के हाथों से ही प्राप्त हो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, वे समझ गए कि हम तो अमर हो गए हैं, क्योंकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे को कभी मारेंगे ही नहीं, यानी हमने अमरता को धारण कर लिया। और देवताओं पर अत्याचार करने लगे, इस धरा को प्रताड़ित करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने ही युक्ति निकाली, तिलोत्तमा नामक अप्सरा को नियुक्त किया और वो जब सुंदर सा रूप बनाकर सुंद और उपसुंद के पास पहुंची, दोनों कहने लगे, ये मेरी है, ये मेरी है। और भीतर एक युद्ध छिड़ गया। अप्सरा ने कहा, जो युद्ध में विजयी होगा मैं उसी की बन जाऊंगी। युद्ध आरंभ हो गया और दोनों एक दूसरे के हाथों मारे गए। भगवान श्री राम कहते हैं, ये उस क्षेत्र का दुष्प्रभाव था जिसने तुम्हारे शुद्ध भावों को भी मलिन कर दिया, ये उस क्षेत्र का प्रभाव था। सोचिए, क्षेत्र का प्रभाव, भूमि का प्रभाव हमारे मन को किस प्रकार मलिन कर सकता है। लेकिन वहीं काशी में, इस काशी में तो कितने साधकों ने साधना की है, ऋषि महर्षि तो कितनी ही गहन तपस्या में लीन हो गए इस काशी भूमि पर आकर। स्वयं हमारे बाबा विश्वनाथ अपनी अर्धांगिनी के साथ यहाँ निवास करते हैं, तो बताइए इस काशी की जो वाइब्रेशन है वो कितनी पॉजिटिव, कितनी सकारात्मक होगी। इसलिए दूर दूर से लोग अपने जीवन को शांत करने के लिए इस भूमि पर आते हैं, ताकि आकर वो इस सकारात्मकता से युक्त हो सके। लेकिन मंदिर में जाने का एक तीसरा कारण भी है, जिसे हमारे संतों और महापुरुषों ने हमारे समक्ष उजागर किया और जिसे समझना आज बहुत जरूरी है।
संतों ने कहा, मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसके पीछे एक उद्देश्य छिपा है। मंदिर का जो सांचा तैयार हुआ है, ढांचा तैयार हुआ है, वहां अपने भीतर एक संदेश को लिए बैठा है। अगर मंदिर गए हो, अगर तीर्थ स्थली पर गए हो और उसके भीतर जो सार तत्व निहित है उसे ग्रहण नहीं किया तो वहां जाने का पूर्ण लाभ नहीं। आइए हम इस बात को एक दो उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत के एक मंदिर की जिसका नाम है चिदंबरम। इस मंदिर के प्रांगण में जब हम जाते हैं तो एक खुला सा क्षेत्र आता है और जब उसे पार कर आगे बढ़ते हैं तो नटराज की मूर्ति दिखाई देती है जो वहां सुशोभित है। मंदिर की जो संरचना है एक मार्के का संदेश देती है, हमारे ही अंतर जगत की ओर इशारा करती है। जो हमारा अंतर जगत है ये आकाश की भांति विशाल है, हर उथल पुथल से रिक्त है। जब हम मन और बुद्धि की ऊहा पोहोच से निकलकर अंतर जगत में स्थित होते हैं तो शांति को प्राप्त करते हैं और जब शांति के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में नटराज की मूर्ति दिखाई देती है, अर्थात जीवन में उत्साह आता है, उमंग आता है, उल्लास आता है, जो नटराज जिसका प्रतीक है। चिदंबरम मंदिर हमें इशारा कर रहा है कि हम अपने अंतर जगत में उतर जाएं और तनाव से मुक्त होकर उमंग से अपने जीवन को सुखमय कर लें, आनंद से जुड़ जाएं। चलिए चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर। ये मंदिर है तेलंगाना में जिसका नाम है रामप्पा। यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। कुछ लोग इसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सर्च की है, शोध किया है और उन्होंने ये पाया है कि ये मंदिर इतना पुराना होने के बाद भी आज भी मजबूत है। और जब इस मंदिर के पत्थरों का उन्होंने उन पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया ये पत्थर बहुत हल्के हैं। उन पत्थरों के टुकड़ों को जब पानी में डाला गया तो वो पानी पर तैरने लगे। रामप्पा मंदिर के जो पत्थर तैर रहे हैं ये हमें एक सीख देते हैं कि इंसान हल्के हो जाओ, विनम्र बने रहो, क्योंकि जितने विनम्र बने रहोगे व्यक्तित्व उतना ही मजबूत होगा और जीवन उतना ही लंबा होगा। चलते हैं महाराष्ट्र भूमि की ओर। औंडया नागनाथ मंदिर है, भगवान शिव का शिवलिंग वहां स्थापित है। संत नामदेव जी वहां पहुंच गए, विठल के नाम का संकीर्तन करते हैं, लेकिन जो भीतर पंडित जी हैं वो तो केवल शिव के नाम का उच्चारण करते हैं। नामदेव जी से कहा, अगर हरि के नाम का स्मरण करना है तो जाओ मंदिर के पिछवाड़े में चले जाओ और वहां जाकर हरि के नाम का स्मरण करो, क्योंकि यहां तो केवल हर हर महादेव होगा, केवल शिव के नाम का उच्चारण होगा। नामदेव जी को तो प्रभु के नाम का संकीर्तन करना था। मंदिर के पिछले भाग में पहुंच गए, पूरी निष्ठा से प्रेम से युक्त होकर अपने प्रभु के नाम संकीर्तन से जुड़ गए और देखिए हमारे प्रभु को अपने भक्त के भावों से खींचे चले आए और पूरा का पूरा मंदिर पीछे की ओर मुड़ गया और शिवलिंग नामदेव जी के समक्ष जाकर प्रकट हो गया। भगवान ने इस मंदिर के द्वारा भी संदेश दिया कि हरि और हर में कोई भेद नहीं, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं, वह एक ही शक्ति है जो भिन्न भिन्न रूपों में कार्य करती है। उस शक्ति को जानो, उस शक्ति को पहचानो। अब चलते हैं, वापस आते हैं काशी की ओर। ये काशी जहां दूर दूर से लोग चले आते हैं क्योंकि काशी को मुक्ति का धाम कहा जाता है। कभी सोचा, कभी विचार किया कि ये काशी किसका प्रतीक है? खोलिए शास्त्र ग्रंथों को जो स्पष्ट कहते हैं, काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, जो प्रकाश से युक्त है, जिसके कण कण में शिव का प्रकाश है, जिसके कण कण में शिव का तत्व स्वरूप है, उसका नाम है काशी।
कौन सा स्थान है काशी? एक ये स्थूल काशी है जहां आज हम बैठे हैं, जहां की सकारात्मक किरणें हमारे मन को आनंदित कर रही हैं, जहां हम बाबा विश्वनाथ के उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आते हैं। लेकिन एक और काशी है, वो काशी हमारे शास्त्र कहते हैं वो है असली काशी, वास्तविक काशी, और वो कहीं बाहर नहीं, वो मानव के अंतर्घट में है। यहाँ इस स्थान पर जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पंडित जन तिलक सजाते हैं, जिसे आप भगवान शिव का तृतीय नेत्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, जिसे दिव्य चक्षु कहा जाता है, इस स्थान को एड़ा पिंगला सुषमणा, जहां तीनों नाड़ियां आकर मिल जाती हैं, इस स्थान को हमारे ग्रंथों ने कहा काशी। और यहीं पर ज्योत स्वरूप ज्योतिर्लिंग हमारे बाबा विश्वनाथ सदैव निवास करते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, हमने बाबा विश्वनाथ का दर्शन काशी में आकर तो अनेकों बार किया, क्या कभी इस वास्तविक काशी के भीतर उतरकर भगवान शिव के उस तत्व स्वरूप, उस ज्योति स्वरूप का दर्शन किया? किया? क्या इस अंतर्घट में उतरकर वास्तविक काशी में जाकर अपने प्रभु से मिले? नहीं मिले। ये मौका है, ये अवसर है, ये दिव्य मंच इसीलिए सजाया गया है, इस पावन पुनीत कथा को आपके समक्ष इसलिए लाया गया है ताकि आप अब अपनी यात्रा को आगे लेकर जाएं। बाहरी रूप से आप भगवान शिव का दर्शन कर चुके हैं, आओ अब अंतर जगत में उतरें और यहां इस स्थान पर जो काशी है वहां अपने भगवान शिव का दर्शन भी कर लें। देख लिए, देखिए, दो तरीके के हृदय होते हैं, एक फिजिकल हार्ट होता है और दूसरा स्पिरिचुअल हार्ट होता है। फिजिकल हार्ट क्या करता है ये आप अच्छे से जानते हो, लेकिन स्पिरिचुअल हार्ट क्या होता है? आध्यात्मिक हृदय। आध्यात्मिक हृदय इसे कहा जाता है जहां भगवान निवास करते हैं। आप समझिए कि हमारे प्रभु इस स्थान पर जाकर छिप गए और यहां एक द्वार लगा है जो हमें दिखाई नहीं देता और उस पर एक ताला जड़ा है और उस ताले की चाबी भी हमारे पास नहीं है। अब बताइए, अगर भगवान को देखना है तो क्या करना होगा? चाबी चाहिए ताकि ताला खुले और हम अपने प्रभु का दर्शन कर पाएं। ये होगा कैसे? जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौंपाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर शरणाई। जिसने ताला लगाया है, जो अंदर बैठा है, उसने चाबी गुरु को सौंप दी। जाओ गुरु की शरण में, जाओ पूर्ण सदगुरु के पास, जाओ और उनसे जाकर निवेदन करो कि मुझे हरिद्वार जाना है और मेरे इस द्वार को खोलकर मुझे हरि का दर्शन करवा दो। हे गुरुदेव, मुझे काशी पहुंचा दो, मैं अपने ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ का दर्शन अपने अंतर घट में करना चाहता हूं, मैं अंतर जगत की यात्रा करना चाहता हूं। ऐसी प्रार्थना गुरु के चरणों में करो, आपको अवश्य वह शिव नेत्र मिलेगा, वह दिव्य दृष्टि मिलेगी। इसी दिव्य दृष्टि को हमारे संतों महापुरुषों ने पाया, इसी दिव्य दृष्टि को भक्तों ने पाया। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन ने किसे प्राप्त किया? भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, जानते हो ना, और उसे गीता का उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन से कहते हैं, जानता है मैं कौन हूं? अर्जुन ने कहा, हां प्रभु, आप मेरे सखा हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सर्वस्व हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये तो तू मेरी देह की पहचान बता रहा है, लेकिन क्या जानता है मेरा तत्व स्वरूप क्या है? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्योति क्षमापि तत् ज्योति ही तमसः परमुच्यते, ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। हे अर्जुन, मैं ज्योतियों की ज्योति प्रकाश स्वरूप हूं और तेरे सबके अंतर्घट में विराजमान हूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु, क्या मैं आपके ज्योति स्वरूप का दर्शन कर सकता हूं? भगवान कृष्ण ने कहा, अवश्य कर सकते हो, लेकिन बाहरी चक्षुओं के द्वारा नहीं,
मैं तुम्हें तृतीय नेत्र प्रदान करूंगा जो अभी अप्रकट है। मैं इस तृतीय नेत्र को प्रकट कर दूंगा, इसे खोल दूंगा और तुम तत्क्षण अपने अंतर्घट में मेरा दर्शन करोगे। न तो मांग शक्य से दृष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुहु पश्यमे योग मैश्वरम। हे अर्जुन, आओ अब मैं तुम्हें वह दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता को खोल कर पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने केवल थ्योरी नहीं कही, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवा दिया अर्जुन को। उसके सिर पर हाथ रखा और उसके तृतीय नेत्र को खोल दिया, इस द्वार को खोल दिया। दिव्य दृष्टि के खुलते ही अर्जुन ने अपने भीतर करोड़ों सूर्यों के समान प्रभु के उस तत्व स्वरूप का दर्शन कर लिया, अपने जीवन के लक्ष्य को पा लिया। अर्जुन, जैसा प्रयास हमें भी करना है, इस काशी पर अगर, काशी की भूमि पर अगर जन्म मिला है तो ये प्रतीक है, हमें इंगित करता है कि हम वास्तविक काशी की ओर भी बढ़ें। आओ प्रयास करें, कदम बढ़ाएं, पूर्ण सद्गुरु के पास जाएं और जाकर उनसे ब्रह्म ज्ञान की मांग करें, दिव्य दृष्टि की मांग करें और अपने बाबा विश्वनाथ के तत्व स्वरूप का दर्शन इस काशी में कर लें, इस अंतर्घट में कर लें। धन्य है ये काशी, धन्य है ये नगरी, धन्य है ये मोक्षपुरी धाम जो हमें मोक्ष के द्वार की ओर ले जाने आया है, जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाने आया है। आओ मिलकर इस काशी धाम का जय जयकार करते हैं, इस काशी धाम की महिमा को गाते हैं। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। पापशमनि दमनि दुष्ट चेतसा श्री काशी, पापशमनि दमनि दुष्ट चेतसा श्री काशी, पापशमनि दमनि दुष्ट चेतसा श्री काशी, पापशमनि दमनि दुष्ट चेतसा। क्षण भर में काशी की
सुबह शाम काशी धन्य है, ये भूमि धन्य है। यहाँ आना, आकर प्रभु का दर्शन करना और फिर उस प्रतीक से प्रभु के वास्तविक दृश्य की ओर बढ़ना, यही इस मानव जीवन का उद्देश्य है और यही इस मानव जीवन का लक्ष्य है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आपने सुना होगा। एक बार नाव में बैठकर मणिकर्णिका घाट की ओर जा रहे थे। जैसे ही घाट पर पहुंचे तुरंत कूद गए और जाकर जो लाशें जल रही थी उसे देखने लगे। देखते ही देखते भाव समाधि में लीन हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात जब आंखें खोली तो पास में जो शिष्य थे उनसे अपने दिव्य अनुभव के बारे में बताते हुए कहते हैं, जानते हो मैंने क्या देखा? मैंने देखा भूरे रंग की जटाओं से युक्त एक ऐसा पुरुष है जो इन जलते हुए शवों को उठा रहा है और उनके कानों में तारक ब्रह्म मंत्र को फूंक रहा है। वहीं शव के दूसरी ओर माँ जगदम्बिका बैठी हैं और वह उस जीव के स्थूल सूक्ष्म और कारण इन सभी कर्म संस्कारों को काट रही है और उसे मुक्ति के पथ की ओर प्रशस्त कर रही है। जो शिष्य इस दिव्य अनुभव को सुन रहे थे
उन्होंने कहा, गुरुदेव हम इसका अर्थ समझ नहीं पाए। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं ये प्रतीकात्मक है। शव किसका प्रतीक है? मृत्यु के। मृत्यु कैसी? द्विज होने का प्रतीक है। जिस समय हम पूर्ण सद्गुरु के पास जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, दिव्य दृष्टि को खुलवाते हैं, उस समय हमारा एक नया जन्म होता है, हम द्विज बन जाते हैं। उस समय उस दिव्य पुरुष के द्वारा शव के कानों में जो तारक ब्रह्म मंत्र फूंका गया, वह गुरु के द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा है। और मां जगदम्बिका जो जीव को उसके कर्म बंधनों से मुक्त कर रही है, यह भी प्रतीक है कि जब एक जीवात्मा गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर अग्रसर होता है, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में लीन होता है, तो जन्मों जन्मों के कर्म संस्कारों से मुक्त हो जाता है और इस तरह अपने भीतर अपने प्रभु से जुड़ता हुआ, ध्यान साधना में लीन होता हुआ, तपस्या करता हुआ वह मुक्ति पथ का अनुगामी बन जाता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यही वो सूत्र है जिसे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को प्रदान किया और परीक्षित मुक्ति को पा गया, मोक्ष को पा गया। आज उसी परीक्षित को निमित्त बनाकर हम इस कथा को सुन रहे हैं। आओ अपने प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जिस प्रकार परीक्षित ने मुक्ति को प्राप्त किया, हमें भी उसी प्रकार मुक्ति प्राप्त हो। इस काशी नगरी को तो मोक्षपुरी धाम कहा गया है, तो हमें भी तो मोक्ष मिलना चाहिए। हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए, हम भी मोक्ष पथ पर अग्रसर हो सकें, हमें ऐसा विवेक प्रदान कीजिए। अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परीक्षित ने सुखदेव जी के द्वारा इस कथा को श्रवण किया, लेकिन ये समय कैसे आया? क्योंकि परीक्षित तो वज्रनाभ के संग मिलकर उसने तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों का निर्माण किया, तीर्थ स्थलियों का निर्माण किया, और जब वापस लौटे कहां पर? मथुरा में। तो जितनी भी कृष्ण की रानियां हैं, वे सभी बड़ी आकुल और व्याकुल हैं, विरहा से छटपटा रही हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं। तभी उनकी दृष्टि पहुंच गई भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानी थी, जिसका नाम था कालिंदी, बड़े ही शांत चित बैठी है। अन्य रानियों ने जाकर पूछा, हे कालिंदी, हे देवी, क्या आपको भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ था? क्या आप उस विरहा की अग्नि में नहीं जल रही? हम तो एक एक पल अपने प्रभु का स्मरण करते हैं, एक एक पल अपने प्रभु की याद में बिता रहे हैं। कालिंदी ने कहा, मेरे पास तो मेरे प्रभु हर क्षण रहते हैं, जब वो मुझसे विलग नहीं तो फिर विरहा कैसी? सभी रानियां असमंजस में पड़ गई, कहने लगी, तो फिर बाकी बिहारी हमारे पास क्यों नहीं? फिर हमें हमारे प्रभु का दर्शन क्यों नहीं होता? कालिंदी ने कहा, होगा, जाओ जाके पहले उद्धव जी के पास जाकर सत्संग सुनो, तब आपको कृष्ण से मिलने का मार्ग मिलेगा। सभी ने करबद्ध होकर प्रश्न किया, उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? कालिंदी ने कहा, गोवर्धन पर्वत के निकट कुसुम नामक सरोवर है, वहीं जाकर तुम कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना, उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे। सभी रानियां, वज्रनाभ और परीक्षित सभी पहुंच गए कुसुम सरोवर के निकट, जाकर कृष्ण के नाम का संकीर्तन आरंभ कर दिया। संपूर्ण वायुमंडल कृष्ण नाम से गूंज उठा, और जब भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए तो भक्त वहां प्रकट हो ही जाया करते हैं। श्यामल वर्ण लिया है, उद्धव जी वहां प्रकट हो गए। सभी ने उद्धव जी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से मिलने का मार्ग पूछा। उद्धव जी ने कहा, अवश्य बताऊंगा, सभी ध्यान से अब कृष्ण की कथा को सुनो, लेकिन राजन परीक्षित, आपके लिए एक विशेष आज्ञा है। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, क्या आज्ञा है? उद्धव जी ने कहा, जब हम यहाँ पर सत्संग आरंभ करेंगे, प्रभु की कथा आरंभ करेंगे, तो कलयुग उसमें विघ्न उपस्थित करने आएगा। आप जाइए, जाकर कलयुग को अपने नियंत्रण में कर लीजिए।
पहले तो परीक्षित तैयार हो गया, लेकिन फिर दूसरा विचार कौंधा कि फिर मैं कैसे कथा सुनूंगा। कहने लगा, उद्धव जी, अगर मैं इस कथा से वंचित रह गया तो फिर मेरे जीवन का लाभ क्या है। उद्धव जी ने कहा, परीक्षित, भागवत ग्रंथ के सबसे प्रथम अधिकारी तो तुम ही बनोगे। तुम्हें ही निमित्त बनाकर इस भारत में मानव तक वो मार्ग प्राप्त होगा जिससे वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जाओ, तुम्हें तो स्वयं सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद इस कथा को सुनने का अवसर मिलेगा। अभी तुम कलयुग के ऊपर नियंत्रण करो। परीक्षित ने आज्ञा प्राप्त की और चला गया। उधर परीक्षित कलयुग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर यात्रा कर रहा है, और दूसरी ओर उद्धव जी के माध्यम से वज्रनाभ और भगवान कृष्ण की सभी रानियां सत्संग को सुनते रहे और फिर कृष्ण से जुड़कर मोक्ष को पा गए, मुक्ति को पा गए। वहीं दूसरी ओर परीक्षित कलयुग के हाथों विवश हुआ और उसे श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिल गया। 7 दिवस की जिंदगी बची थी और 7 दिन के बाद तक्षक नाग की अग्नि से उसका प्राणांत होना लिखा जा चुका था। परीक्षित विचलित हो गया, क्या करूं? कौन सा ऐसा मार्ग है जिससे अपने इस मृत्यु को उजागर कर सकूं? मुझे श्राप का भय नहीं, लेकिन मेरी मृत्यु के पीछे एक संत का अपमान हो ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं संत का अपमान कर इस भूलोक से जाना नहीं चाहता, मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। राजा परीक्षित के द्वारा शमिक ऋषि का अपमान हुआ था और इसी कारण से शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। प्रायश्चित करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। सोचने लगा, प्रजा यदि कुछ अपराध करती है तो राजा दंड देता है, यहां तो स्वयं राजा ने ही अपराध किया है तो मुझे दंड कौन देगा, मुझे स्वयं को दंड देना होगा। उसी क्षण अपने गृह का त्याग कर दिया, अपने राजभवन का त्याग कर दिया, यहां तक कि अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और एक एक संत महापुरुष के पास जाकर प्रश्न करने लगा। लेकिन किसी के पास भी परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर नहीं था। उस समय सुखदेव जी महाराज के अंतर्घट से भगवान कृष्ण की वाणी गूंजी और सुखदेव जी महाराज से कहा, जाइए, एक शिष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके जीवन को मैंने उजागर किया था, उसकी मृत्यु को आपको उजागर करना है। परीक्षित तो केवल निमित्त बनेगा, उसके माध्यम से जन जन तक आपको मेरी कथा को पहुंचाना है। सुखदेव जी तत्क्षण तत्पर हो उठे। उसी क्षण पहुंच गए परीक्षित के पास गंगा नदी के तीरे। जैसे ही परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को देखा, उनके चरणों में गिर गया। हे गुरुदेव, मेरे हाथों के द्वारा ऐसा अपराध हुआ है, ऐसा पाप किया है मैंने। सदैव संतों का पूजन करता रहा, लेकिन आज संतों का अपमान हुआ है, मुझे प्रायश्चित करना है, अपने जीवन के लक्ष्य को जानना है। केवल 7 दिन मेरे पास शेष हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। सुखदेव जी महाराज आसन पर आरूढ़ हुए, उनके चरणों में जा बैठे परीक्षित। मन के भीतर जो जो प्रश्न उठ रहा है, उस हर एक प्रश्न का समाधान सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, और इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आगे बढ़ने लगी। भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कह सुनाया। तृतीय स्कंद में वो भगवान शिव और माता सती के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। घटना आती है कि एक बार प्रयागराज में एक महासभा का आयोजन किया गया, जिस सभा के भीतर सभी विद्वान, श्रेष्ठ ज्ञानी, देवतागण सभी उपस्थित थे। वहां ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे और भगवान शिव वहां विराजमान थे। तभी वहां आगमन होता है संपूर्ण एकाधिपति, संपूर्ण धरा का जो एकाधिपति था, जिसका नाम था दक्ष प्रजापति, उसका उस सभा में आगमन हुआ। आगमन होते ही
सभी देव ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया, उनके सम्मान में अपने स्थान से उठ खड़े हुए। दक्ष प्रजापति बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी उसकी दृष्टि जा पहुंची भगवान शिव पर, जो अभी भी अपने स्थान पर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। दक्ष प्रजापति उस पदवी को पाकर अभिमान से भर गया था, स्वयं महादेव के उस दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाया। शिव तत्व से वंचित था, इसलिए आज क्रुद्ध हो गया। क्रोधित स्वर में आज महादेव की ओर देखकर कहने लगा, इस सभा के भीतर जितने भी सम्माननीय जन बैठे हैं, देव ऋषि बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, वे सब जानते हैं कि किस प्रकार मेरा सम्मान करना है, लेकिन देखो तो इसकी ओर, भूतों पिशाचों से गिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है। क्या इसे इतना नहीं पता कि मेरे सम्मान में उठना चाहिए? लगता है इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं, इसलिए आज ये प्रजापति दक्ष इसे श्राप देता है कि अब ये किसी भी यज्ञ के भीतर स्थान नहीं पाएगा। अरे शमशान का निवासी है, शमशान का निवासी जिसके ना जन्म का पता है, ना गोत्र का पता है, ना स्थान का पता है, मैं इसे श्राप देता हूं कि आज के बाद इसे यज्ञ में देवताओं के संग भाग नहीं मिलेगा। भगवान शिव तो अभी भी अपने स्थान पर ज्यों के त्यों बैठे हैं और मुख पर मुस्कान खिली हुई है, लेकिन भगवान शिव का जो वाहन है, उनका जो भक्त है नंदी, जब उसने प्रजापति दक्ष के इस श्राप को सुना तो अपने भावों पर नियंत्रण खो बैठा, आक्रोश से भर गया, अपने स्थान से उठा और कहने लगा, हे नराधम प्रजापति दक्ष, तूने मेरे महादेव को श्राप दिया है। अरे संपूर्ण यज्ञ जिनके द्वारा संपन्न होते हैं, तूने यज्ञों से उनका बहिष्कार किया है। सारे अमंगलों को दूर करने वाले मेरे मंगलकारी शिव, उनको श्राप देने का तुमने सोचा कैसे? आज ये नंदी अपने महादेव की कृपा से, उनकी भक्ति से, उनकी तपस्या से तुम्हें श्राप देता है कि शीघ्र ही तुम तत्व ज्ञान से विमुख हो जाओ और तुम्हारे धड़ पर बकरे का सिर सुशोभित हो। क्रोधित स्वर में नंदी ने श्राप तो दे दिया। महादेव अब अपने आसन से उठ खड़े हुए, नंदी से कहा, शांत हो जाओ नंदी, शांत हो जाओ, चलो। अपने गणों को साथ लेकर उसी क्षण भगवान शिव ने उस सभा का त्याग कर दिया। वापस कहां पहुंच गए? कैलाश। जाकर हमारे महादेव ने अपने नेत्र मूंद लिए और ध्यान में लीन हो गए। प्रभु के जो वो दिव्य स्वरूप है, प्रभु की वो जो दिव्य आभा है, वो देखते बनती है। मुख पर भुवन मोहिनी मुस्कान खिली है, शांत चित्त है, और वही नंदी। दक्ष प्रजापति ने जो विचार दिए, जो श्राप दिया, अभी भी उसके मन में घूम रहा है और अभी भी वो क्रोध से तिलमिला रहा है। स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया तो महादेव के चरणों में जा पहुंचा, कहने लगा, प्रभु नेत्र खोलिए, महादेव नेत्र खोलिए, मेरी ओर देखिए, प्रभु मेरी ओर देखिए, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? दक्ष प्रजापति ने आपका इस प्रकार अपमान किया है, आपको कटु शब्द कहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। भगवान शिव ने नेत्र खोले, अपने नंदी की ओर देखा और मुस्कुरा दिए, कहने लगे, नंदी दक्ष ने कटु शब्द कहे, लेकिन मैंने तो स्वीकार नहीं किए। उसने मेरा अपमान किया, लेकिन मैंने उसे खुद तक आने ही नहीं दिया, इसलिए उसके उस विचारों का, उस शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। नंदी अगर उसका व्यवहार दूषित था तो उसके विचारों को सुनकर, उसके शब्दों को सुनकर तुमने अपने व्यवहार को दूषित क्यों कर लिया? तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था नंदी, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। मेरी ओर देखो, मैंने विष को अपने कंठ में सजाया है, उसे अपने हृदय में उतरने नहीं दिया। नंदी ने सुना, अन्य गणों ने सुना, कहने लगे, हाँ महादेव, आपने तो इस विष को अपने कंठ की शोभा बना लिया, आप तो नीलकंठ महादेव बन गए। भगवान शिव कहते हैं, इसी प्रकार
यदि कोई कटु शब्द कह भी दे तो उसे अपने हृदय में ना उतरने दो, उसे स्वीकार ही ना करो। अगर क्रोध करोगे तो दूसरे के बदले खुद भी क्रोध करोगे, तो उसमें और तुम में क्या अंतर रह गया? जैसे ही नंदी और अन्य गणों ने महादेव के मुख से ये बातें सुनी, तो आज सारा का सारा कैलाश बारंबार महादेव के जयकारों से, जय घोषों से गूंज उठा। सभी आनंदित हो गए, प्रसन्न चित होकर अपने महादेव का जय जयकार करने लगे। बोलिए हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। और आज उस कैलाश पर मस्ती का आलम छाया है। नंदी के साथ भगवान शिव के अन्य गण नाच झूम कर अपने शिव की महिमा गा रहे हैं। और क्या गाते हैं? हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है, अनाथों के नाथ तेरी नंदी की सवारी है। नाथ तेरी महिमा निराली, अनाथों के नाथ तेरी नंदी की सवारी है। भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, अनाथों के नाथ तेरी नंदी की सवारी। तेरी महिमा सबसे निराली है हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। महादेव महादेव शंभू महादेव, हर 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 महादेव। सबसे निराली है हे महादेव, महादेव महादेव शंभु महादेव, हर 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 महादेव। शंभु महादेव महादेव महादेव, शंभु महादेव, हर 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 महादेव। शंभु महादेव सबसे है न्यारा, तुझको नमन है हमारा। करता तू सबकी रखवाली, देता सबको सहारा। हे नीलकंठ त्रिपुरारी, कामारी अंधारी, देवों के देव तूने लिखा तारी। हे नीलकंठ त्रिपुरारी, कामारी अंधारी, देवों के देव तूने लिखा तारी। तू देव सबसे है न्यारा, तुझको नमन है हमारा। करता तू सबकी रखवाली, देता सबको सहारा। सब होके मगन आए तेरी शरण, सब होके मगन आए तेरी शरण। तू ही संकट से सबको उबारे हे महादेव, महादेव महादेव शंभु महादेव, हर 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 महादेव। शंभु महादेव महादेव महादेव, शंभु महादेव, हर 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 महादेव। शंभु महादेव। झूमे अंबर और नाचे हैं ये धरा, तेरा डम 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 रूपे भोले बाबा। भोलेनाथ भोलेनाथ बम 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 भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ बम 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 भोलेनाथ। पी लिया प्याला तूने विष से भरा, पी लिया प्याला तूने विष से भरा। जग के कल्याण को भोले बाबा। लगाए हे महादेव, महादेव महादेव शंभु महादेव, हर 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 महादेव। शंभु महादेव महादेव महादेव, शंभु महादेव, हर 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 महादेव।
शंभु शिव शंभु हे शंभु शिव शंभु हे शंभु शिव शंभु हे शंभु शिव शंभु हर 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 महादेव 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 हे शंभु भूतों के संग प्रेतों के संग देवों के संग दूतों के संग है जति जति जोगी का तू ही रखवाला हे शंभु शिव शंभु हर 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 महादेव 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 हर हर महादेव कैलाश पर भगवान शिव के सभी गण नाच नाच कर झूम झूम कर अपने भगवान शिव की महिमा गाने लगे और भगवान शिव से जो सूत्र प्राप्त किया उसे हृदय में धारण कर लिया। हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं ये हमारे लिए एक अद्भुत प्रेरणा लेकर आए हैं। इसमें जो निहित संदेश हैं उन्हें अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। एक बार पुनः लौटते हैं कैलाश की ओर, एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं भगवान शिव और नंदी के बीच। प्रजापति दक्ष ने जो कटु शब्द कहे नंदी ने भी सुने, भगवान शिव ने भी सुने। नंदी उन शब्दों पर विचार मंथन करता रहा और क्रोधित होकर अपना व्यवहार भी दूषित कर लिया। ऐसा ही किया नंदी ने। जरा ध्यान से अपने जीवन में झांक कर देखिएगा, हम भी कहीं नंदी जैसी प्रतिक्रिया तो नहीं कर देते? प्रजापति दक्ष जैसे दूषित लोगों के टॉक्सिक बिहेवियर के कारण कहीं हम भी आहत तो नहीं हो जाते? और जब आहत हो जाते हैं तो हम भी बदले में उन्हें कटु शब्द कह देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी ने हमसे बुरा कहा, बदले में हमने भी बुरा कह दिया, क्या हमारा मन उसके बाद शांत हो जाता है? नहीं। कभी ध्यान से देखना, हमारे मन में ईको की तरह वो शब्द घूमते रहते हैं और हमारे भीतर न जाने और कितने दूषित भावों को भी जन्म दे देते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे किसी ने अपने घर का कूड़ा लाकर हमारे घर में फेंक दिया और हमने उस कूड़े को स्वीकार कर लिया। किसी ने कटु शब्द कहे और हमने भी उसके कटु शब्दों पर अपनी कटुता का आवरण उड़ाया और अब उससे हमारा व्यवहार भी मलिन हो गया। लेकिन दूसरी ओर है हमारे भगवान शिव, जो ध्यान में लीन है, मुख पर मुस्कान है। भले ही प्रजापति दक्ष ने अपमान किया, कटु शब्द कहे, लेकिन भगवान शिव उनकी जो अवस्था है इतनी ऊंची है कि उनके कटु शब्दों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दक्ष के कटु शब्दों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप कहेंगे हम भगवान शिव जैसे तो नहीं बन सकते, वो तो परफेक्ट है और हम इंसान हैं, इट्स आवर टेंडेंसी टू रिएक्ट, प्रतिक्रिया देना तो हमारा स्वभाव है। हम कोई स्टैचू तो नहीं है, कोई आए और हमें कुछ भी कहकर चला जाए।
हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यहाँ तक कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जड़ वस्तुओं में भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो हम तो मानव हैं। अगर कोई हमसे कुछ कहता है तो हम तो प्रतिक्रिया देंगे ही। हम महादेव जैसे कैसे बन सकते हैं? सज्जनों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आप महादेव जैसा नहीं बन सकते, लेकिन महादेव के भक्त तो बन सकते हो। महादेव जो समझाना चाहते हैं उसे समझने की कोशिश तो कर सकते हो, एक प्रयास तो कर सकते हो। अगर कोई कटु शब्द कहता है आप उसे समझाइए, अगर वो नहीं समझता तो वहां से चले जाइए। अगर आपको लगता है सामने वाले व्यक्ति में अब बदलाव संभव नहीं, तो वहां क्यों ठहरते हैं, उस स्थान का त्याग कर दीजिए। आप बगिया के पास से जाते हो तो क्या आती है? खुशबू। आप कूड़े के ढेर के पास से निकलते हो तो क्या आती है? दुर्गंध। कभी किसी को देखा कूड़े के ढेर के पास खड़ा हो और कूड़े के ढेर से शिकायत कर रहा हो कि तुझसे इतनी दुर्गंध क्यों आती है? नहीं, आप क्या करते हैं, अपनी नाक को ढक लेते हैं रुमाल से और तीव्र गति से उसके आगे से निकल जाते हैं। आपको पता है कि फलाने व्यक्ति के अंध से कटुता की दुर्गंध उठेगी ही उठेगी, तो वहां क्यों रुकना, आगे बढ़ जाओ। लेकिन समस्या आती है जब ऑफिस में हम एक साथ हैं, जब बिजनेस में हम एक साथ हैं और हम किसी से शारीरिक दूरी भी नहीं बना सकते, ऐसे में हम क्या करें? एक और उपाय है, अगर शारीरिक दूरी नहीं बना सकते तो मानसिक दूरी बना लो। आपने कहा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन यही नियम एक शर्त रखता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया तभी होती है जब ये एक सिदाई में हो, एक लाइन में हो। अगर ये स्तर एक जैसा नहीं, एक सीध में नहीं, एक लाइन में नहीं, तो क्रिया और प्रतिक्रिया का चक्कर नहीं होता। सज्जनों समझिए, भगवान शिव ध्यान में लीन है, दक्ष प्रजापति अपने मन के अधीन है, और भगवान शिव वो तो परमात्मा है, अपान में लीन है। अगर हम भी भगवान शिव के भक्त बनना चाहते हैं तो हमें भी अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट करना होगा। मन के स्तर से ऊपर उठ जाइए, आत्मा से जुड़ जाइए। जब आपका स्तर अलग हो जाएगा, फिर क्रिया की प्रतिक्रिया वहीं खत्म हो जाएगी, कोई चक्कर ही नहीं होगा। अपने आप को भगवान शिव का भक्त बनाइए। जिस प्रकार भगवान शिव ध्यान में लीन है, उसी प्रकार आप भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हुए ध्यान में लीन हो जाइए। अपनी आत्मा को जागृत कर लीजिए। ध्यान की शाश्वत पद्धति को पूर्ण सद्गुरु के पास बैठकर सीख लीजिए। फिर समाज का कोई भी प्राणी हो, उसके भीतर कितनी भी कटुता हो, इसके कितने भी कठोर शब्द हो, वो आपके व्यवहार को मलिन नहीं करेंगे, वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी अवस्था उत्तम होगी, आप आत्मा के स्तर पर जी रहे होंगे। यही ब्रह्म ज्ञान हमें देने आता है। आप पूछते हैं ना कि ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना हमें सफल जीवन जीने का सूत्र देने आई है। इस जीवन को जी पाए, अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाए, ये हमें ब्रह्म ज्ञान सिखाता है। 20 से 22 वर्ष का एक युवक होगा, एक बार श्री महाराज जी के पास आया और आकर उसने विनती की कि गुरुदेव, जहां मैं जॉब करता हूं वहां पर तरह तरह के लोग हैं और मुझसे न जाने कितना बुरा व्यवहार भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे सारा जीवन उनकी बुराई को सहना होगा? कई बार मेरे मन में आता है कि मैं भी उनकी तरह बुरा बन जाऊं, जैसा वो व्यवहार करते हैं मैं भी वैसा व्यवहार करूं। पर फिर मेरी आत्मा से आवाज आती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना है। बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं?
श्री महाराज जी उस समय कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, यदि वो अपनी बुराई नहीं छोड़ रहे तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ रहे हैं? आपको कमल की भांति बनना है, जो रहता कीचड़ में है लेकिन उसका नाता सूर्य से रहता है। वो अपना पोषण, अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, इसलिए निरंतर ध्यान साधना कीजिए, उससे अपना पोषण प्राप्त कीजिए, स्वयं को दुर्गुणों में लिप्त मत कीजिए, स्वयं को इतना ऊंचा उठाइए कि आपके ऊपर उन दुर्गुणों का कोई प्रभाव ही ना पड़े। और यह निश्चित जानिए, जब एक खेत में फसल तैयार होती है, साथ ही साथ खरपतवार भी लगती है। सबसे पहले खरपतवार को काटा जाता है। जितनी भी बुराई है, जितनी भी गंदगी है, जितनी भी समाज में कटुता है, एक दिन इन सब का विनाश होगा। इसलिए बुराई के मार्ग पर नहीं, अच्छाई के मार्ग पर बढ़ो और उसके लिए ध्यान साधना करो। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना तुम्हारी सहायता करेगी, तुम्हें कभी गलत मार्ग की ओर अग्रसर नहीं होने देगी। यही महादेव ने नंदी को भी समझाया। नंदी, यदि मुझसे जुड़कर रहोगे, मुझे देखकर चलोगे, मेरे आदर्शों के अनुरूप जीवन को जियोगे, तो फिर तुम्हारा जीवन सुंदर बनेगा। तुम क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम्हारा व्यवहार प्रजापति दक्ष के व्यवहार की तरह मलिन नहीं होगा। नंदी ने अपने प्रभु की आज्ञा को स्वीकार किया, उनकी बातों को हृदय में धारण कर लिया। आओ सज्जनों, हम अपने महादेव की बातों को अपने हृदय में उतारें। जो सूत्र उन्होंने हमें सफल जीवन का दिया है, उसे अपने जीवन में धारण कर अपनी जीवन यात्रा पर अविराम आगे बढ़ें। नंदी जिसने दक्ष को श्राप दिया और दक्ष जिसने भगवान शिव को श्राप दिया, क्या आपको लगता है कि प्रजापति दक्ष का जो अपमान उस महासभा में हुआ है, उससे प्रजापति दक्ष क्या शांत बैठा होगा? नहीं। जो घायल सर्प होता है उसकी भांति फुंकार रहा है, अपने ही कक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहा है, किस प्रकार उस कपाले शिव से अपने अपमान का बदला लूं, इस पर विचार कर रहा है। अगले ही दिवस उसने अपनी सारी सभा को बुलाया, एकत्रित किया, सभी सभासदों के समक्ष उसने ये घोषणा की कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र प्रजापति दक्ष अपने पिता को साक्षी मानकर और समस्त दिशाओं को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूं कि कुछ ही दिनों में एक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन उस कपाली शिव और उसकी अर्धांगिनी सती को यहां निमंत्रित नहीं किया जाएगा। शिव का अपमान करने के लिए प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। माता सती और भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं, तभी वहां पर चंद्रदेव और नागदेव आते हैं, आकर महादेव के चरणों में प्रणाम किया, हे महादेव प्रणाम स्वीकार कीजिए। महादेव ने अपने नेत्र खोले, चंद्रदेव, नागदेव कहिए, कहने लगे, प्रभु आप तो जानते हैं कि प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें हमें भी आमंत्रित किया है। प्रभु हमारी इच्छा है कि आप और माता सती के संग हम उस महान यज्ञ में जाएं। भगवान शिव ने चंद्रदेव की ओर देखा और कहा, लेकिन हमें तो प्रजापति दक्ष ने उस यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया और बिना निमंत्रण के हमें वहां जाना उचित जान नहीं पड़ता है। ऐसा कीजिए, आप वहां जाइए। चंद्रदेव ने कहा, नहीं प्रभु, यदि आप वहां नहीं जाएंगे, माता सती वहां नहीं जाएंगी, तो हम भी नहीं जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, नहीं, आपको उनके निमंत्रण का सम्मान करना चाहिए, आप अवश्य जाइए। अपने प्रभु की आज्ञा को स्वीकार कर चंद्रदेव नागदेव वहां से प्रस्थान कर गए। दूर बैठी माता सती सारा प्रसंग, सारी घटना को देख रही थी और सुन रही थी। तुरंत उठकर आगे आई, महादेव के समक्ष प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे तो अभी अभी ज्ञात हुआ है कि मेरे पिताश्री ने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है, हमें भी वहां चलना चाहिए। मेरी इच्छा है
जिस प्रकार मेरी सभी बहनें अपने पति के संग वहां आएंगी, मुझे भी अपने पति के संग वहां जाना है, आपके संग उस महान यज्ञ में उपस्थित होना है। महादेव ने सती की जब इच्छा को सुना, कहने लगे, सती, लेकिन आपके पिताश्री ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है और बिना बुलावे के कहीं जाना योग्य नहीं है। सती ने कहा, अरे वो तो मेरे पिता का घर है और पिता के घर में पुत्री के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? मुझे तो लगता है हमें अवश्य जाना चाहिए। मेरे पिता के मन में अवश्य ही कोई भ्रम पैदा हो गया है। चलिए ना, हम वहां चलते हैं और पिताजी के उस भ्रम को दूर कर देते हैं। महादेव ने कहा, रुको सती, अगर तुम्हारे पिताश्री ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, यानी वे नहीं चाहते कि हम वहां उपस्थित हों, अगर हम उनके इच्छा के विरुद्ध वहां उपस्थित हो गए तो वो क्रोध से भर जाएंगे और क्रोध से किया हुआ यज्ञ कभी सफल नहीं होता, इसलिए हमें उनके यज्ञ को सफल करना चाहिए, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे लगता है पिताश्री ने जिस भ्रम को अपने मन में पाला हुआ है, हमें उसे जाकर दूर करना चाहिए। उनका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा और फिर जब यज्ञ करेंगे तो पूर्ण सफलता को प्राप्त करेंगे। भगवान शिव ने कहा, सती, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रही? जिस संसार से तुम आई हो, ये उसी की मर्यादा है। सती ने कहा, मर्यादा? कौन सी मर्यादा महादेव? भगवान शिव ने कहा, संसार की एक मर्यादा है, जब कन्या का विवाह हो जाता है तो पिता का घर पराया हो जाता है और पराए घर में बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती, नहीं जाना चाहिए। सती ने जैसे ही महादेव के मुख से इन शब्दों को सुना तो आज उसकी जो वाणी थी वो थोड़ी कठोर हो गई। कहने लगी, महादेव, मुझे लगता है कि आज तक आपने मेरे पिता को अपना पिता माना ही नहीं, लगता है आपने उनका आज तक कोई सम्मान किया ही नहीं, इसलिए आप मेरे साथ जाने के इच्छुक नहीं हैं। महादेव ने सुना, कहने लगे, सती, काश तुम अपने बुद्धि के द्वारा जो सोच रही हो, विचार कर रही हो, इसके कारण तुम्हारी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है, इसलिए तुम मेरी बातों को अस्वीकार कर रही हो। मैं अब भी कहता हूं सती, बिना निमंत्रण के हमें उनकी यज्ञशाला में नहीं जाना चाहिए। जानती हो वहां जाने पर कितना भारी अपमान सहना पड़ेगा, ऐसा अपमान जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होगा। जैसे ही बारंबार इन वाक्यों को सुना तो सती क्रोधित हो गई। कहने लगी, ठीक है महादेव, यदि वहां अपमान ही सहना होगा तो मैं सती उस अपमान को सहने के लिए सज्ज हूं। मैं अपने पिताश्री की यज्ञशाला में अवश्य जाऊंगी। जैसे ही महादेव ने सुना, कहने लगे, नहीं सती, काल तुम्हें बुला रहा है, वहां मत जाओ, तुम्हारा अहित होगा, मैं कह देता हूं। सती ने सुना, मेरे पिता के घर में मेरा अहित? कहने लगे, ठीक है महादेव, आपको ये लगता है कि मेरे पिता के घर में जाने से मेरा अहित होगा, तो आज मैं आपको ये सौगंध देती हूं कि जब तक मैं वहां से वापस ना लौटूं, आप मुझसे भेंट करने वहां नहीं आएंगे। जैसे ही महादेव ने सुना, महादेव ने कहा, सती, मैं कह रहा हूं वहां तुम्हारा अहित होगा। सती ने कहा, तो मैंने आपसे कहा ना, मेरा अहित होने के बाद आप वहां आइएगा, उससे पूर्व नहीं। महादेव ने कहा, सती, तुम्हारा अहित होने के बाद वहां आने का मेरा लाभ ही क्या है? सती ने कहा, लेकिन मैंने संकल्प ले लिया है, मैंने ये दृढ़ निर्णय ले लिया है कि मैं अपने पिता की यज्ञशाला में अवश्य जाऊंगी। जैसे ही महादेव ने देखा कि अब सती नहीं रुकेगी, नंदी से कहा, नंदी जाओ, देवी सती के संग जाओ और उनकी सुरक्षा का कार्यभार अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। नंदी और अन्य गणों के संग माता सती अपने पिता के यज्ञशाला की ओर जा रही है। दूसरी ओर यज्ञशाला में सभी उपस्थित हो चुके हैं। ब्रह्मा जी अपने आसन पर विराजमान हैं, साक्षात विष्णु माँ सरस्वती भी वहां पर विराजित हैं, सभी देवता गण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी वहां उपस्थित हैं। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भृगु ऋषि से कहा, हे ऋषिगण,
इस महायज्ञ का आयोजन आरंभ कीजिए। वहां बैठे थे दधीची ऋषि, अपने स्थान का त्याग किया और उठकर खड़े हो गए। क्षमा कीजिए प्रजापति दक्ष, इस सभा में, इस यज्ञ में मुझे महादेव का कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रजापति दक्ष ने कहा, उस महादेव का, उस शिव का, उस अघोरी का यहां इस सभा में कोई स्थान नहीं है। दधीची ऋषि ने सुना, कहने लगे, जिनके द्वारा यज्ञ संपन्न होते हैं आपने उन्हें यज्ञ में स्थान नहीं दिया। प्रजापति दक्ष ने कहा, कौन है वो शिव? देव है, गंधर्व है, पशु है, मानव है, अरे कौन है वो शिव? दधीची ने कहा, देवों के देव महादेव है मेरे शिव। प्रजापति दक्ष ने कहा, केवल तुम्हारी अल्पज्ञता के लिए, मेरी सर्वज्ञता के समक्ष उसका कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं। अरे मेरे यज्ञ के इस किसी भी भाग पर उसका कोई अधिकार नहीं, ना द्रव्य पर, ना हव्य पर, ना दान पर, ना दक्षिणा पर, और यहां तक कि मेरे यज्ञ के जूठन पर भी उस अघोरी शिव का कोई अधिकार नहीं। दधीची ऋषि ने सुना, अपने महादेव के अपमान को सह नहीं पाए, अपने स्थान का त्याग कर दिया। कहने लगे, प्रजापति दक्ष, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को मलिन कर दिया है, और मैं दधीची तुम्हें श्राप देता हूं कि इस यज्ञ की अग्नि तुम्हारी चिता अग्नि बनकर धधक उठेगी। उसी क्षण उस सभा का त्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति तो प्रसन्न हो गया, वाह, एक ही शिव का उपासक यहां उपस्थित था, वो भी चला गया, अब तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होगा। यज्ञ आरंभ हो गया, आहुतियां देनी आरंभ कर दी गई। कुछ ही क्षणों में माता सती वहां पहुंच गई, बाहर से ही आवाज दी, पिताश्री, पिताश्री देखिए आपकी पुत्री आई है, आपकी सती आई है। जैसे ही ये शब्द कर्ण गोचर हुए, प्रजापति दक्ष ने सती की ओर नहीं देखा, सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों, तुम्हें मैंने निर्देश दिया था कि बिना निमंत्रण के इस सभा में कोई प्रवेश नहीं करेगा, तुमने मेरी आज्ञा का अनुसरण क्यों नहीं किया? ये सती इस यज्ञशाला में प्रवेश कैसे कर गई? सती ने कहा, पिताश्री आप व्यर्थ ही इतना क्रोध कर रहे हैं, महादेव ने आपका क्या बिगाड़ा है? यदि वहां आपके सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए तो इसमें आपकी भलाई है, वो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, उन्हें आपके सम्मान में नहीं, आपको उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने तो आपको पाप से बचा लिया है और आप उन पर ही रुष्ट हो रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने सुना, कहने लगे, अरे ओ कन्या, ये बार बार पिता शब्द कहकर पिता शब्द को अपमानित मत कर, अब भी कहता हूं यहां से वापस लौट जा। भिक्षाटन पर जीने वाले उस कपाली शिव के लिए तू मेरे समक्ष आकर याचना करेगी तो तुझे क्या लगता है मैं उसे यहां निमंत्रण देकर बुला लूंगा? कदापि नहीं, असंभव है ये कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में वो कपाली शिव उपस्थित हो जाए। माता सती ने सुना, कहने लगी, पिताश्री आप बार बार मेरे स्वामी का अपमान क्यों कर रहे हैं? दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे वो अपमान के ही योग्य है, शमशान का निवासी है वो, भूतों और पिशाचों से सदैव घिरा रहता है, भिक्षाटन पर जीने वाला है वो, अघोड़ी साधु है, अघोड़ी साधु और कुछ नहीं है वो, कुल से विहीन है, जन्म से विहीन है, उसका हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। सती ने कहा, बस बस पिताश्री बस, अपने शब्दों को यहीं रोक लीजिए। तभी सती ने सभा में बैठे हुए सभी सभासदों की ओर देखा, ब्रह्मा जी के पास गई, कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, क्या हुआ, आप मौन क्यों हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों की तो संपूर्ण समाज पूजा करता है, आपके समक्ष महादेव का अपमान हो रहा है और आप उसे सुन रहे हैं? ब्रह्मा जी मौन बैठे रहे। माँ सरस्वती के पास गई, कहने लगी, माँ तुझे तो विवेक की देवी कहा जाता है, तो तुमने आज मेरे पिता को विवेक क्यों नहीं दिया? क्यों वे मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं, महादेव का अपमान कर रहे हैं? माँ सरस्वती भी कुछ नहीं कह पाई, पहुंच गई भगवान विष्णु के पास। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं
कि यह यज्ञ केवल महादेव की उपस्थिति से ही पूर्ण हो सकता है, फिर आप कुछ क्यों नहीं कहते? भगवान विष्णु भी मौन हैं, और जब इस प्रकार सती को हर एक देव के पास जाते हुए देखा, दक्ष प्रजापति का जो क्रोध था हर एक सीमा को पार कर गया। अरे ओ कन्या, लगता है तू उस भांड से स्वांग की कला को सीख कर आई है। अरे सही सुना था मैंने, नीच का संग करने पर ऊंचे कुल का व्यक्ति भी नीच जैसा ही व्यवहार करने लगता है। अरे उस शिव के साथ रहकर तू अपनी मर्यादा को भूल गई। अघोड़ी साधु, शमशान निवासी, अरे क्या पहचान है उसकी? मैं दक्ष प्रजापति, जिसने उसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। अब उसे कभी यज्ञ में देवताओं के संग भाग नहीं मिलेगा, और यही मेरा संकल्प है। बार बार जब अपने पिता के मुख से शिव की निंदा को सुना, सती को आभास हो गया कि क्यों मुझे शिव यहां आने से रोक रहे थे। कहने लगी, प्रजापति दक्ष, ईर्ष्या और अहंकार के बीज से ये देह जन्मी है। दक्षायनी कहलाना मुझे अपमानित लगता है इस समय, और शिव की निंदा सुनकर अब ये देह पूर्णतः रूप से मलिन हो गई है। इसलिए अभी इसी क्षण इसी यज्ञशाला में मैं अग्नि को उत्पन्न करती हूँ और अपनी देह का यही अंत कर दूंगी। उत्तर दिशा की ओर माता सती बैठ गई, और उसी क्षण माँ सती ने विराट स्वरूप को धारण किया। प्रजापति दक्ष से कहने लगे, मोड़, तेरे घर में कन्या बनकर आई, साक्षात मैं शक्ति का अवतार हूँ, लेकिन तू मुझे नहीं समझ पाया, ना तो शक्ति को पहचान पाया, ना ही शिव को पहचान पाया है। इसलिए आज ये शक्ति यहाँ से जा रही है, आज ये शक्ति अपने इस जीवन को, अपने इस देह को अंत करने जा रही है। मेरे इस अपमान का बदला मेरे शिव अवश्य आकर लेंगे, मेरे शिव अवश्य यहाँ आएंगे। अग्नि को प्रकट किया, और माता सती उसी में उन्होंने अपने इस देह का अंत कर लिया। जैसे ही आग की लपटें आसमान की ओर बढ़ने लगी, नंदी और अन्य गण द्रुत गति से भागे। माता सती पुकारते रहे, और माता सती उससे पूर्व ही उस देह उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। इस अनर्थ को देखा चित्कार करते हुए नंदी और अन्य गण कैलाश पर पहुंच गए। ज्यों ही कैलाश पर पहुंचे तो महादेव नेत्रों को मूंदे ध्यान में बैठे हुए हैं। नंदी और अन्य गणों ने अपने प्रभु के सामने जाकर चित्कार प्रकट कर दिया, अपने प्रभु को आंखें खोलने के लिए विवश कर दिया, और अपने प्रभु को सारी की सारी घटना कह सुनाई। अग्निदाह कर भस्मीभूत कर लिया स्वयं को, कर त्रिशूल धारो प्रलयंकारी, अब तांडव करो है स्वयं हो। प्रजापति की यज्ञशाला में हुआ भीषण अपराध है, प्रजापति की यज्ञशाला आपकी निंदा की निर्वाद है।
महादेव के नेत्र खुल गए और भयंकर तांडव आरंभ हो गया। वह डमरू जो सदैव सृजन का नाद सुनाया करता था, आज विध्वंसकारी ध्वनि उसमें से गुंजायमान हो गई। जहां जहां भगवान शिव का पद चाप जा रहा है, वो धरा सिहरती चली जा रही है। पेड़ पौधे वनस्पति सभी अपने आधार से विलग हो रहे हैं। पशु पक्षी यहाँ वहाँ दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। पशुपति नाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु रक्षति, प्रभु रक्षति, अपने इस क्रोध को शांत करिए, प्रभु शांत करिए। भगवान शिव की जटाएं खुल गईं, उन्हीं जटाओं में से एक जटा को तोड़ा और धरा पर दे मारा। उसी में से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र से कहा, जाओ वीरभद्र, इसी क्षण दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में जाओ। उसने जो अपना संसार बनाया है, उसके अहंकार का प्रतीक है, उसे ध्वस्त कर डालो। यक्ष, गंधर्व, यक्ष, कोई भी अगर तुम्हारे मार्ग में बाधा बने तो उसके जीवन का भी अंत कर दो। मेरी सती के अपमान का बदला तुम्हें लेना है, जाओ। आज इस सृष्टि पर भले ही प्रलय आ जाए, लेकिन सती के अपमान का बदला लिए बिना तुम्हें वापस नहीं लौटना है। वीरभद्र गया, एक एक पद प्रहार से ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी ही डामाडोल हो उठी हो। प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में प्रवेश करते ही वीरभद्र ने सभी को मारना काटना शुरू कर दिया। एक एक कर सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अंततः दक्ष प्रजापति के
जो शीश लगा है उसे भी धड़ से अलग कर दिया गया और वो शीश जाकर यज्ञ की अग्नि में भस्मीभूत हो गया। ब्रह्मा विष्णु जी जहाँ पहुंचे महादेव के पास, शांत हो जाइए महादेव, शांत हो जाइए। दक्ष प्रजापति अहंकार से ग्रसित हो गया था, उसका विवेक शून्य हो गया था, इसलिए उससे भूल हुई है, लेकिन अब उसे उसके अपराध का दंड मिल चुका है। चलिए महादेव, चलिए उसके यज्ञ को पूर्ण कीजिए। महादेव ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए, लेकिन दक्ष का जो सिर था वो पहले ही उसका अंत हो चुका है, इसलिए उसके धड़ पर एक नया शीश लगाया गया और वह बकरे का शीश था। पश्चाताप में भरा हुआ प्रजापति दक्ष शिव के चरणों में झुक गया, क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको समझ नहीं पाया, आपको जान नहीं पाया, मुझसे अनजाने में भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रजापति दक्ष को क्षमा दान दिया और हमारे शिव कैलाश वापस लौट गए। आगे की कहानी आप बखूबी जानते हैं, किस प्रकार हमारी देवी सती पार्वती के रूप में आई। आवागमन के चक्र से मुक्ति को प्राप्त कर ले, इसलिए भगवान शिव ने उनसे अमर कथा कह सुनाई। भगवान शिव के मुख से जो भी शब्द उच्चारित हुए वह मानव जाति के समक्ष गुरु गीता के रूप में प्रकट हो गए। आप जानते हैं, एक बात का उत्तर दीजिए, क्या वह गुरु गीता जिसका एक एक शब्द महादेव के मुख से प्रस्फुटित हुआ है, क्या वह गुरु गीता केवल देवी पार्वती के उत्थान व कल्याण के लिए थी, हमारे लिए नहीं थी? अवश्य थी। तो क्या जिस प्रकार पार्वती जी ने उस गुरु गीता के माध्यम से रहस्य को जानते हुए आवागमन के चक्र से मुक्ति को प्राप्त कर शिव में लीन हो गई, क्या हम ये प्रयास कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि हमें तो गुरु शब्द सुनते ही हमारे तो मन में तरह तरह के विचार चलने लगते हैं, क्यों धारण करें गुरु को, क्या पहचान है गुरु की, क्या लाभ है गुरु का, आखिर हम गुरु के पास क्यों जाएं? चलिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठे हैं, आओ इन प्रश्नों को अपने भोलेनाथ से पूछते हैं। पहला प्रश्न है, हमें लगता है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को बड़े अच्छे से निभा रहे हैं, हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, हमारे पास अच्छा धन है, हमारे इस समाज में बड़ी अच्छी ख्याति है, तो फिर हमें गुरु के पास जाने की आवश्यकता क्या है? हम अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो हम गुरु की शरण में क्यों जाएं? भगवान शिव गुरु गीता के माध्यम से इसका उत्तर देते हैं। विद्या धनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकं येषां गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती भले ही जीवात्मा के पास, एक इंसान के पास विद्या हो, धन हो, बल हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके जीवन में अगर गुरु की कृपा नहीं तो इन सब को प्राप्त करते हुए भी उसका मन, उसका चित्त कभी शांत नहीं हो पाता। आप सबसे पूछती हूं, किसी के पास विद्या होगी, किसी के पास धन का बल होगा, कोई वैसे इस समाज में बड़ी उन्नत पदवी को प्राप्त कर चुका होगा, क्या आपका मन शांत हो गया है? क्या आपको शांति प्राप्त हो गई? क्या आपको वास्तविक सुख, उस आनंद की अनुभूति हो गई? नहीं, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सुनाते हैं। यही काशी में ही एक स्थान पर ध्यान में लीन थे। जो काशी के राजा थे वो वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने महाबुद्ध के दिव्य आभा को देखा तो अपने अश्व से नीचे उतर आए, आकर महाबुद्ध के समक्ष हाथ जोड़कर यह प्रश्न किया, कहने लगे, हे तपस्वी,
मैं इस काशी का राजा हूँ। मेरे पास धन संपदा का अब अंबार लगा हुआ है। ये जो मुकुट देख रहे हैं, इसमें कितने रत्न जड़ित हैं। ये जो वेशभूषा मैंने धारण की है, ये भी रत्नों से जड़ित है। मेरे अश्व कितने महंगे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कितने ऐसे देश हैं, कितने राज्य हैं जो मेरे अधिकार में हैं। दास दासियों का मेरे घर में, मेरे महल में इतने अनेक दास दासियां हैं। लेकिन इन सब के बाद भी मेरा मन अशांत है। वहीं दूसरी ओर आपके पास कुछ भी जान नहीं पड़ता, लेकिन आपके मुख की जो शोभा है, जो आभा है, ऐसा लगता है आपका जीवन आनंद से भरा हुआ है। ये आनंद मेरे जीवन में क्यों नहीं? महात्मा बुद्ध ने सुना, कहने लगे, आपके जैसी स्थिति एक बार मेरी भी थी, दरिद्र और समृद्ध। राजा ने सुना, दरिद्र समृद्ध, ये दोनों स्थितियां एक साथ कैसे हो सकती हैं? महाबुद्ध ने कहा, हो सकती हैं। बाहरी तौर पे मेरे पास सब कुछ था, साम्राज्य भी था, धन भी था, संपदा भी थी, मैं समृद्ध था, लेकिन मेरा जो अंतर मन था वो सूना था, वहां दरिद्रता छाई हुई थी। फिर मेरे जीवन में गुरु का पदार्पण हुआ, मैं अपने अंतर घट में उतरा और वहां सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान प्रकट हो गए और मैं आनंद से भर गया, मेरा जीवन आनंद से भर गया। सज्जनों, यही सूत्र है हमारे लिए। जिस शांति, जिस आनंद, जिस वास्तविक सुख को हम बाहर ढूंढते हैं, वो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और उस सुख, उस आनंद को पाने के लिए हमें भगवान चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए, और उसके दर्शन के बिना सुख की प्राप्ति भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कितने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, कमठ पीठ जा मही बरु बारा, बंदिया सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नब बरु बहुविधि फूला, जीवन अल्लाह सुख हरि प्रतिकूला, त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस सीस बिशाना, अंधकार बरु रब ही न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे, हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। वो कहते हैं, कछुए की पीठ पर बाल उग सकते हैं, मैं मान लेता हूं, ये होता नहीं है। एक बांझ स्त्री के घर में कभी संतान जन्म नहीं लेती, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं मान लेता हूं उसकी संतान ने किसी को मार डाला, मैं मान लेता हूं हर उस असंभव चीज को, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि राम की प्राप्ति किए बिना किसी के जीवन में सुख आ गया, मैं ये नहीं मान सकता। Even the most impossible thing may become possible, but attaining happiness, and that too without perception of God, it's just next to impossible. भगवान के दर्शन के बिना, भगवान के साक्षात्कार के बिना, इस अंतर घट में उतरे बिना आप शांत हो ही नहीं सकते, आप आनंद की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। आपको आनंद पाना है तो भगवान चाहिए, भगवान को पाना है तो आपको गुरु चाहिए। यही भगवान शिव इस सूत्र के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। उपासकों का एक वर्ग है जिन्होंने दूसरा प्रश्न भगवान शिव से पूछा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, हम तो आपकी पूजा करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आप तक पहुंचने के लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत क्यों है, हमें किसी गुरु की आवश्यकता क्यों है? हम आपसे भक्ति करते हैं, आपका आपसे प्रेम करते हैं, हम आप तक यूं ही पहुंच जाएंगे? ऐसे उपासकों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए भगवान शिव ने गुरु गीता में क्या कहा? शिव पूजा रतो वापी, विष्णु पूजा रतो थवा, गुरु तत्व विहीनश्चेतत् सर्वं व्यर्थमेव हि। भले ही शिव की पूजा करो, भले ही विष्णु की पूजा करो, भले ही बांके बिहारी की पूजा करो, भले ही माँ दुर्गा की पूजा करो, लेकिन अगर जीवन में गुरु तत्व नहीं तो आप परमात्मा के तत्व को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते।
आप सब भगवान को पूछते हैं, भगवान को मानते हैं, आपकी उपस्थिति इसका प्रमाण है। यह बताइए कि आप भगवान को मानते हैं, क्या आप भगवान को जानते भी हो? जिस भगवान की बाल्यकाल से कथा कहानियां सुनी है, जिसके मंदिर में जाते हो, क्या उस भगवान को देखा भी है? नहीं सज्जनों, अभी वो शर्त बाकी है, अभी भगवान का साक्षात्कार बाकी है, अभी उसके दर्शनों से वंचित है, अभी ये झोली खाली है। भगवान शिव को तत्व से जानना है, भगवान विष्णु को तत्व से जानना है, तो उसके लिए हमें गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो शक्ति हुआ करती है जो हमें तत्क्षण भगवान से जोड़ दिया करती है। यही हमारी सोच है, यही विचार है हमारे, कि गुरु को कैसे पहचाने, गुरु की खोज कैसे करें, गुरु की पहचान क्या है? पूछिए ना भोलेनाथ से, पूछिए ना बाबा विश्वनाथ से। गुरु गीता स्पष्ट उत्तर देती है, गुकारश चांदकारो ही रुकारस्तेज उच्यते, अज्ञान ग्रासकं ब्रह्म गुरु रेव न संशयः, सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरु दीक्षा प्रभावतः, गुरु लाभात् सर्व लाभो गुरु ही नस्तु बालिशः। कभी ध्यान से पढ़ना इनका अर्थ। भगवान शिव ने स्पष्ट कर दिया, जो आपके भीतर के अज्ञानता के अंधकार को दूर कर आपके भीतर प्रकाश स्वरूप को प्रकट कर दे, परमात्मा के तत्व स्वरूप का साक्षात्कार आपको अंतर्घट में करवा दे, उस सत्ता का नाम है गुरु। भगवान शिव कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु का पदार्पण नहीं हुआ, उसका जीवन निरर्थक है, निरर्थक है, निरर्थक है। अब बताइए, क्या भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करोगे? जिस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव के समक्ष बैठकर गुरु गीता को सुना, न केवल सुना, मंथन आरंभ हुआ और फिर भगवान शिव से उस ब्रह्म ज्ञान की याचना की, आओ हम भी अपने भगवान के समक्ष प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी गुरु का आगमन हो और हमारी खाली झोली भी भगवान के दर्शनों से भर जाए, हमारा हृदय भी आनंद से सराबोर हो जाए और हमारे अंतर्घट में सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान प्रकट हो जाए, हमें उनका साक्षात्कार मिल जाए। तब हम कह सकते हैं कि हम शिव को मानते भी हैं और शिव को जानते भी हैं। हम भगवान कृष्ण को मानते भी हैं और भगवान के कृष्ण के तत्व स्वरूप का दर्शन जैसे अर्जुन ने किया, मीराबाई ने किया, ऐसे हम भी अपने अंतर्घट में कर चुके हैं, तब ये पंक्ति हम कह सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इन शब्दों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे, हृदय में उतारेंगे, घर पहुंचकर मंथन करेंगे। भगवान ने जो आदेश दिया है, उनकी जो आज्ञा है, उसे पूरा करना हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। आओ अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करें, उनके सच्चे भक्त बने, सच्चे भक्तों की श्रेणी में हमारा भी स्थान हो। आओ ऐसा प्रयास करें, ऐसे अपने जीवन को सार्थक करें। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी, आइए बुलंद स्वर में प्रभु का जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। हेलो हेलो, बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। उठा के दोनों हाथ, सबके सभी के दोनों हाथ ऊपर व्यासपीठ की ओर, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले। अविलंब हम मंगल आरती कर बढ़ेंगे,
पूज्य कथा व्यास जी के द्वारा बहुत सुंदर कथा आप लोग श्रवण कर पा रहे थे। और समय को देखते हुए हम मंगल आरती की ओर बढ़ रहे हैं। आरती हेतु हम उन महानुभावों को आगे आमंत्रित करना चाहेंगे। पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि, पूर्व कुलपति साहूजी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय, वो अध्यक्ष ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, आप कृपया मंच के निकट आएं। माननीय श्रीमान आनंद जी, प्रांतीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद, आप कृपया मंच के नीचे आएं, निकट आएं। श्रीमान संजय झुंझुनवाला, जो वाराणसी के प्रसिद्ध समाजसेवी एवं व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, आपका अभिनंदन, मंच के निकट आएं। डॉक्टर माधवी तिवारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्म संस्कृति संगम, उनसे आग्रह है। अंजू कनोडिया जी, पुणे से, मंच के निकट। श्रीमान विंध्यवासिनी पांडे जी, एडवाइजरी मेंबर काउंसिल मोदी केयर लिमिटेड वाराणसी, कृपया मंच के नीचे निकट आएं। श्रीमान सचिन मिश्रा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सीपीसी पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी। श्रीमान कौशल शर्मा जी, श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति वाराणसी, धर्मपत्नी सहित कृपया मंच के निकट आएं। श्रीमान विजय जायसवाल जी एवं सलोनी जायसवाल जी, प्रज्ञा इंटरनेशनल होटल वाराणसी से, कृपया मंच के निकट आएं। एवं कथा के मुख्य यजमान श्रीमान अरविंद भालोटिया जी एवं श्रीमती अनीता भालोटिया जी एवं श्रीमती सुशीला भालोटिया जी, कृपया मंच के निकट आएं। श्रीमान छोटेलाल चौधरी जी एवं श्रीमती माधुरी चौधरी जी, कृपया मंच के निकट आएं। पीयूष अग्रवाल जी साथ में वो मंच के निकट आएंगे। और आज के दैनिक यजमान हैं श्री राजकुमार राय जी एवं श्रीमती जी, कृपया मंच के निकट आएं, सोनमती राय जी। श्री विश्व कुमार शिव कुमार गौड़ जी, कृपया मंच के निकट आएं। श्री हर्ष देव चौबे जी पटना से मंच के निकट आएंगे। श्री योगेश शुक्ला जी एवं धर्मपत्नी हैं किरण पांडे जी बहराइच से, दुर्गेश शुक्ला जी एवं अलका पांडे जी बहराइच से, नर्सिंग ऑफिसर हैं आप, श्री नेहा पाल जी एवं सुमन पाल जी बहराइच से, साथ में शुभ आशीष चटर्जी जी, रवि पांड्या जी इलाहाबाद से, भगत सरन बोरा जी आगरा से, कृष्णा चौधरी जी वाराणसी से, उर्मिला सिंघानिया जी आप वाराणसी से। आप सभी भक्तों का अभिनंदन करते हुए आप सभी से आग्रह है, मंगल आरती है तो आप अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं और मंगल आरती को श्रवण करें। संकटा मंदिर से भी हमारे बीच में विशिष्ट अतिथिगण आए हैं, कृपया वो भी मंच के निकट आएं। बाकी सभी भक्तों से आग्रह, अपने अपने स्थान में खड़े होकर के मंगल आरती के साथ सभा को विराम। तुम बिन और ना तू जा, प्रभु बिन
सर्वे यजमानाः हस्ते अक्षत पुष्पाणि आदाय मंत्र पुष्पांजलिं कुर्युः यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहना कं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ तदपुरुखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात् शेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाभे पुण्या गजादि गर्वे वरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान् सबका सब विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान्
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय, परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय, श्री गंगा मैया की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, शांति ही शांति ही शांति ही।